पानादि रश्मियां होती हैं और ब्रैति छंद रश्मियां होती हैं। ब्रैति छंद रश्मियां बांधने का कार्य करती हैं। ब्रैति छंद रश्मि कौन सी है? भूर भुवा स्वह मिलाकर के जो गायत्री मंत्र बनता है वो भी ब्रैति छंद रश्मि है। और तत्सवितुर्वरेण्यम, ये इतनी यहां से लेके चले तो वो गायत्री छंद रश्मि है। और सूत्रात्म वायु, ये सारी रश्मियां को ब्रैति बांधती है और ब्रैति के ऊपर अंतिम आवरण सूत्रात्मा का होता है। सूत्रात्मा वे रश्मियां होती हैं जो जैसे सुई और धागा किसी कपड़े को सिल देते हैं, वैसे सूत्रात्म वायु सारे ब्रह्मांड के पार्टिकल्स और रेंज को सिले हुए हैं। अगर यह ना होता तो ब्रह्मांड बिखर गया होता। चाहे ब्रह्मांड कितना ही सूक्ष्म है, कितना ही विरल है, लेकिन है वो इकट्ठा। जब तक इसकी आयु पूरी नहीं होगी तो इकट्ठा ही रहेगा। अगर ये ना होता तो न कोई पार्टिकल होता, न कोई फोटोन होता। पार्टिकल फोटोन में आपका आज की भाषा में मैटर भी आ गया और एनर्जी भी आ गया। तो स्पेस एक पदार्थ है। स्पेस कौन सा पदार्थ है? स्पेस वह पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म रश्मियां गमन करती हैं। स्पेस नहीं हो तो रेडिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। स्पेस नहीं हो तो कोई कण आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेस सबका बेस है। जैसे गाड़ी का बेस रोड है, हवाई जहाज का बेस वायु है, वैसे सभी प्रकार के रेडिएशंस का बेस है जो रोड है वो स्पेस है। और स्पेस का बेस कौन है? स्पेस का बेस है प्राण और अपान रश्मियां। जब कोई रश्मि स्पेस में आगे बढ़ती है तो प्राण और अपान रश्मियां ये दो आगे उसको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। धनंजय तो खींचता है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो एक पुलिस की गाड़ी आगे आगे रास्ता साफ करते चलती है। वैसे ही ब्रह्मांड में, आकाशगंगा में जितने भी तारे घूम रहे हैं, किसी भी सौरमंडल में जितने ग्रह चल रहे हैं, उन ग्रहों के आगे आगे भी कुछ वेव्स जाती हैं। वेव्स जाती हैं, वो उनका रास्ता बनाते हुए चलती हैं। मिला? महर्षि ब्रह्मा जी ने महाभारत में कहा, आकाश किससे उत्पन्न होता है? मैंने रश्मियां बताई, वो रश्मियों तक उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा अहंकार और मन दोनों एक ही हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अहंकारात प्रसूतानि महाभूतानि पंचमई पृथ्वी वायु आकाशम आपो ज्योतिष पंचम। अहंकार के संघनित होने से, सघन होने से सबसे पहले उत्पत्ति होती है वो पंच महाभूतों में, आकाश की उत्पत्ति होती है। पांच महाभूतों का तात्पर्य कोई ये ना समझे, जो भी अब तक ट्रांसलेशन किए गए, मैंने पश्चिमी वैज्ञानिकों की साइंस की पुस्तकों में पढ़ा कि प्लेटो अरस्तु उस जमाने की बात करते हैं, वो कहते हैं ये पांच पदार्थ एलिमेंट मानते थे, स्पेस एयर फायर वाटर एंड अर्थ। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। वायु का अर्थ एयर नहीं है, अग्नि का अर्थ फायर नहीं है, जल का अर्थ वाटर नहीं है, पृथ्वी का अर्थ अर्थ नहीं है, वह कुछ और पदार्थ है जिसकी हमने विस्तार से व्याख्या की है इसमें। लेकिन स्पेस वह पदार्थ है जो इन पांचों में सबसे सूक्ष्म है। इनसे सूक्ष्म वे रश्मियां हैं जो अहंकार से पैदा होती है। बीच की चेन इन्होंने नहीं बताई ब्रह्मा जी ने। और उधर महर्षि भृगु ने महर्षि भरद्वाज से जी कहा, या भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, शरसैया में उपदेश दिए शांति पर्व में, वो कहते अहंकार अहंकार स्थिर रूप था, अवकाश रूप अंधकार रूप था, और उसमें उस अहंकार पदार्थ में अवकाश रूप में स्थित था,
और उसमें सारा ब्रह्मांड सोया हुआ था, नष्ट हुआ था और अहंकार अचल था। उसमें कोई गति नहीं थी, उसमें कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं थी, उसमें कोई बहुत बड़ा बल काम नहीं कर रहा था, लेकिन बिल्कुल शांत तो नहीं था। गति रेखी गति, वक्री गति, आगे चल वही वही कुछ कम स्पंदन, जिसको किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं जाना जा सकता, वह तो था। एकदम सिमिलर स्टेट तो नहीं थी, लेकिन वह फिर भी शांत था। उस अहंकार में लिखते हैं कि उस अहंकार में, उस अंधकार में एक दूसरा अंधकार प्रकट हुआ, उसका नाम दिया सलिल। सलिल का अर्थ है जिसमें सब लीन हो गया हो। पृथ्वी रूपी पदार्थ का लय होता है जल रूप पदार्थ में, जल रूप पदार्थ का लय होता है अग्नि रूप पदार्थ में, अग्नि रूप पदार्थ का लय होता है वायु रूप पदार्थ में, और वायु रूप का लय होता है आकाश में। थोड़ा मोटा सा इनको समझा दूं, पृथ्वी का अर्थ ये मान सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जल का अर्थ मान सकते हैं आयंस और एटम्स, और अग्नि में मान सकते हैं फोटॉन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और वायु में मान सकते हैं सारी छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां, बड़ी जो बड़ी रश्मियां हैं, और आकाश मान सकते हैं सूक्ष्म प्राण रश्मियां, सूक्ष्म मरुद रश्मियां, वो आकाश है, और इनसे सूक्ष्म फिर मन आ जाता है, भू भुव स्व ओम आदि वो आ जाता है। तो उस अहंकार में, उन सूक्ष्म रश्मियों में एक बड़ा दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ, वो भी सारे लोगों को लीन किए हुए होता है, उसका नाम है अवकाश। अवकाश नहीं, स्पेस, आकाश। और उस आकाश के विषय में वर्तमान साइंस कुछ नहीं जानता, इतना जानता है कि उस स्पेस में सबसे पहले कर्वेचर पैदा होता है, उसका सिकुड़ना, उसका फैलना, ये गुण आकाश से प्रारंभ होता है, ऐसा साइंस मानता है। लेकिन वो पदार्थ क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसको नहीं मालूम। डायग्राम है, ये डायग्राम सुबह दिखाया था, बोलो बोलो। इसमें स्पेस, ये जाल टाइप स्पेस है, और ये पृथ्वी के पास आकर के सिकुड़ रहा है। अब ये ऐसे चारों ओर होगा, ये तो एक दिखाने के लिए किया है। ये स्पेस, स्पेस टाइम का एक फोटो है, इसमें स्पेस भी और टाइम का भी दिखाया गया। ऐसा ही ये चारों तरफ से 3D होगा। तो साइंस ये तो मानता है कि स्पेस बेंड होता है और कर्व होता है, पर इसको ये नहीं पता कि होता कैसे है। मॉडर्न फिजिक्स को यहाँ तक अभी नहीं जानती कि इसमें ये किस चीज से मिलकर बना है, ये क्यों बेंड होता है, क्या होता है। अब हमारे आपके बीच में भी स्पेस है, और कोई कहे कि बेंड हो रहा है, ये हो रहा है, पर ये नहीं बताया कि हो क्यों रहा है। बेंड वही होता है जो किसी से मिलके बनता है, बेंड वही होता है जो रस्सीनुमा धागों से मिलके बनता है, बेंड वही होता है जिसका कोई अस्तित्व होता है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, वो किसी से मिलके नहीं बना, वो कभी बेंड नहीं हो सकता, वो कभी फैल नहीं सकता। फैलना सिकुड़ना उसी पदार्थ में होता है जो किसी से मिलके बना है, अणुओं से मिला हो, सूक्ष्म रश्मियों से मिला हो, उससे सूक्ष्म मिला हो, किसी से मिलके नहीं बना, वो न बेंड हो सकता है न फैल सकता है। अब आकाश के विषय में हमारे ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, आकाश के कुछ गुण बता रहे हैं। मैं कुछ हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा। आकाश वह पदार्थ है जिसमें सृष्टि का बीज वपन किया जाता है, सृष्टि बनाने का बीज बोया जाता है, अर्थात सभी प्रकार के कण और क्वांटाज आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, स्पेस के सिकुड़ने से ही उत्पन्न होते हैं। यह किनका कथन है, महर्षि हेत्रे महिला जी का आरण्यक का वचन है। महर्षि जैमिनी ने जैमिनी ब्राह्मण में लिखा है,
आकाश प्राण रश्मियों के रूप में ही विद्यमान होता है, जिन प्राण रश्मियों के मंथन से यह सृष्टि उत्पन्न होती है। तीसरा, विभिन्न छंद और प्राण रश्मियों का मिश्रण ही आकाश होता है, और ये वायु रश्मियां प्राण रश्मियां ही आकाश को बेंड करती हैं, कर्व करती हैं, फैलाती हैं। जो वस्तु जिससे बनी है वैसी वस्तु की और दूसरी हो उसी को वो फैला सकती है। आप रस्सी से पानी को नहीं खींच सकते, रस्सी से वायु को नहीं खींच सकते, रस्सी को रस्सी से खींच सकते हैं, ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ से खींच सकते हैं, पानी से प्रेशर मार के बहुत तेज तोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन जितना आकर्षण समान में होगा उतना असमान में नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी संरचना की बात कर रहा हूं। तो और लिखते हैं आगे, इन रश्मियों को डिस्टर्ब कौन करता है, कर्व कौन करता है? पृथ्वी नहीं करती, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली रश्मियां उसको कर्व करती। अगर रश्मियां नहीं निकलती तो आकाश कर्व होता ही नहीं। हर पदार्थ में से रश्मियां निकल रही हैं, और उन रश्मियों के कारण ही अगर हमारे हाथ नहीं हो, रश्मि का अर्थ मेरे शाम को बताया था, जो नियमन करने वाली होती है, जो नियंत्रण करने वाली होती है, हमारे शरीर में नियमन करने वाले हाथ होते हैं। अगर हमारे हाथ नहीं हो तो हम कभी किसी से मिल ही नहीं सकते। ये हाथ ही है जो हमको मिलाते हैं, और हाथ ही है जो हमको धक्का देके दूर भी करते हैं। ये हाथ ही हमारे शरीर में से निकलने वाली रश्मि का रूप है। एटम के अंदर, एटम नहीं, सूक्ष्म पार्टिकल के अंदर, फोटॉन्स के अंदर, वो हाथ ही प्राण और अपान दो हाथ हैं, और कुछ रश्मियां भी हाथ हैं, वो ही आकाश को कर्व करती हैं, वही फैलाती हैं, क्योंकि आकाश स्वयं रश्मि रूप है। ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है, और मैत्रेय ने सतपथ में कहा, और लिखा आकाश ने ही इस द्विलोक और पृथ्वी लोक को बांध रखा है। यदि आकाश नहीं होता तो पृथ्वी घूम नहीं सकती थी, पहले तो पृथ्वी होती ही नहीं। सपोज करें पृथ्वी बन गई, सारे ग्रह बन गए, सारे तारे बन गए, सारे पिंड बन गए ब्रह्मांड के, और अचानक ऐसा हो जाए कि इनके बीच से स्पेस समाप्त हो जाए, अवकाश तो रहे, एम्प्टीनेस तो रहे, लेकिन स्पेस नाम का जो रश्मि में पदार्थ है वो समाप्त हो जाए, तो इनमें कोई भी गति नहीं हो पाएगी, स्थिर हो जाएंगे, और उस अंदर से स्पेस निकल गया तो नष्ट हो जाएंगे। फिर लिखते हैं आकाश ही क्वांटाज और एलिमेंटरी पार्टिकल को भी थामने में आकाश की रश्मियां ही काम करती हैं, और आकाश में छंद रश्मियां सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं? लिखते हैं बृहति, बृहति छंद रश्मि, वेद में कई मंत्र बृहति छंद के हैं, वो आकाश में अधिक होते हैं। लिखते हैं ये तांड ब्राह्मण का ग्रंथ, महर्षि तित्तिर ने कहा तैतरी संहिता में, असत इव असत इव अंतरिक्षम, यह आकाश ऐसा पदार्थ है जो नहीं के बराबर दिखता है फिर भी नहीं दिखता है फिर भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन है वो असत के समान है। और उधर काटक संहिता में लिखा आकाश आत्मा के समान है, आत्मा का आकाश हर पदार्थ के अंदर, हर पार्टिकल के अंदर, हर फोटोन के अंदर सतत विचरण करता हुआ, अर्थात उनमें व्याप्त है। जैसे हमारे शरीर की चेतना जीवात्मा भले ही एक शरीर में रहती हो, लेकिन परमात्मा जो जैसे सर्वत्र व्याप्त है, वैसे आकाश भी हर पदार्थ में व्याप्त है। हर पदार्थ का मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े लोग,
लेकिन आकाश प्राण में व्याप्त नहीं है, प्राण आकाश में व्याप्त है। फिर लिखते छिद्रम इव अंतरिक्षम, आकाश जो छेद के समान है जिसमें से सारी बड़ी रश्मियां बड़ी आराम से निकल जाती। वो कैसे निकलती वो भी चित्र बनाया गया, स्पेस में कैसे गति करता है फोटोन। ये देखें कि कोई भी पदार्थ, गतिशील पदार्थ, हम किसी पत्थर को फेंकेंगे दीवार में जाके टकरा के नीचे गिर जाएगा, और दीवार के स्थान पर एक रेत की दीवार हल्की सी बना दी जाए, बना नहीं सकते बिखर जाएगी, बना दी जाए तो उस दीवार को तोड़ करके पत्थर आगे जा सकता है, और उससे भी ज्यादा उसी पत्थर को उसी बल से पानी के अंदर फेंकेंगे तो पत्थर और ज्यादा आगे जाएगा, उसी पत्थर को वायु में फेंकेंगे तो वह पत्थर और आगे जाएगा, उसी पत्थर को निर्वात में फेंकेंगे जब वायु नहीं हो तो और ज्यादा आगे जाएगा। क्यों? जिसमें से गति हो रही है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की करते थोड़ा बहुत निकल पाएगा, भीड़ कम है तो जल्दी जाएगा, भीड़ और कम है तो और जल्दी जाएगा, और भीड़ नहीं है आराम से चला जाएगा। ठोस पदार्थों में मॉलिक्यूल्स आपस में, अणु आपस में बहुत प्रबल बंधन से बने रहते हैं, उनमें शिथिलता नहीं होती, उसी स्थान पर वाइब्रेट होते हैं लेकिन ऐसे चलते फिरते नहीं है, कहीं भी घूमते रहे, इसलिए उसमें कोई भी गति बहुत कम होगी या होगी नहीं या बहुत कम होगी। और पानी में वे अणु एक दूसरे को फिसलते हुए आगे से आगे गति करते रहते हैं, इसलिए उसमें गति अधिक हो जाएगी उसमें कोई चीज फेंकेंगे तो। वायु में वे गण अणु और भी ज्यादा फिसलते हुए जाते हैं, फिसलते हुए लहरें बनाते हुए दौड़ते हुए जाते हैं, उसमें गति और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन स्पेस में जो स्पेस की रश्मियां होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है, स्पेस की रश्मियां ऐसे घूमती हुई घूमती घूमती जाती, तो एक इधर से घूमेगी, वो बनाया था ना चित्र, एक इधर से घूमेगी ऐसे करके घूमेगी तो उनके बीच में शिथिल बंधन हो जाएंगे, और उसमें से निकलकर रेडिएशन बड़ी छंद रश्मियां आसानी से पार चली जाती है। इसलिए लिखा तांड ब्रह्मंड का आकाश छिद्र के समान होता है, और महर्षि तित्र ने फिर कहा आकाश में दूसरी छंद रश्मि कौन सी ज्यादा होती है, त्रिष्टुप छंद रश्मियां, वेद में बहुत सारे त्रिष्टुप छंद आते हैं। फिर लिखा काटक संहिता में, कपिष्ठल संहिता में पशु अंतरिक्ष, पशु ही अंतरिक्ष, कोई व्याकरण से अर्थ करने वाला कहेगा तो वो कहेगा कि ये पता नहीं क्या है, पशु अंतरिक्ष लिखा है ऐसा अर्थ किया है, ऐसे अर्थ हुए, उसको पढ़ करके आप ये सोचेंगे ये कहना क्या चाहता है, सारे पशु अग्नि की ओर जाते हैं ऐसा लिखा, ऐसे अर्थ हुए। पशु किसको कहते हैं उसका अर्थ हम नहीं करेंगे, ऋषियों से पूछेंगे। पशवो मरुता, अन्यत्र ऋषि ने कहा कि मरुद रश्मियां ही पशु हैं, और एक और ऋषि ने कहा छंदांसी पशव, छंद रश्मियां ही पशु हैं, तो हमने ये अर्थ लगाया नहीं और पशु का अर्थ यह पशु ले लिया। तो अब ऋषि क्या कहते हैं, तैत्रीय तित्र ऋषि और निकाटक और कपिष्ठल, छंद रश्मियां और मरद रश्मियां ही अंतरिक्ष है, इनसे ही अंतरिक्ष आकाश बनाए। फिर महर्षि तित्र और महर्षि जैमिनी कहते हैं प्राण हुआ अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष में छंद और मरती नहीं प्राण रश्मियां भी होती। और महर्षि तित्र आरण्यक में कहते हैं भुवा अंतरिक्ष, भू भुव स्व तीन बता रहा था मैं, तीन सूक्ष्म रश्मियां, ठोस पदार्थों में भू रश्मि की मात्रा अधिक होती है, स्पेस में भुवा रश्मि की मात्रा अधिक होती है, और फोटॉन्स में स्व रश्मि की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ऋषि कहता है
कि भूवा अंतरिक्ष और जैमिनी महर्षि जैमिनी फिर कहते हैं उपनिषद में वाक इति अंतरिक्ष, या अंतरिक्ष भी आकाश भी वाणी का रूप है, ये छंद है, प्राण है, मरुत है, ये वाणी की पश्यंती अवस्थाएं वेद ऋचाओं की। और गोपद ने फिर कहा अंतरिक्षम भाई यजुषा आयतनम, वेद की ऋचाएं तीन तरह की होती हैं, एक वर्गीकरण अलग से किया है, ऋक यजु और साम। ठोस पदार्थों में एलिमेंट्री पार्टिकल में ऋक रश्मि आदि होती हैं, स्पेस में यजु रश्मि आदि होती हैं, फोटॉन्स में साम रश्मि आदि होती हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में आकाश के लक्षण कहे। अब भी हो किसी भी पदार्थ पर अपना चिन्ह नहीं छोड़ता है, अविष्टंभ किसी पदार्थ की गति में अवरोध पैदा नहीं करता है, विभुत्व व्यापक है, तीन गुण। हवा किसी पदार्थ पर अपना प्रभाव छोड़ती है, हवा किसी पदार्थ की गति को रोकती भी है, हवा व्यापक में नहीं, हवा वायु की नहीं कह रहा मैं बात, और वायु में करती है, लेकिन आकाश ऐसा नहीं करता। और महर्षि कणाद ने इसका लक्षण लिखा, लिखते हैं निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशासि लिंगम, जिसमें से रश्मियों का निकलना आना जाना सुगमता से हो सके आकाश का लक्षण है, रश्मियों का, कणों का, पार्टिकल का। और ऐत्रेय ब्राह्मण का जो मैंने भाष्य किया है उसके आधार पर आकाश का और बहुत सारा स्वरूप दर्शाया है। मैं समझ स्वरूप दर्शाया है मैं समझता हूं वो बताने लगूंगा तो और भी सुन समझ में आ रहा है, डॉक्टर गुप्ता जी की समझ में आ रहा है, एक सज्जन कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। अगर एक साइंटिस्ट से कहे कि कविता सुनाओ तो कविता तो नहीं सुनाएगा, वो तो साइंस की बात करेगा, समझ में आवे अथवा नहीं आवे आप प्रयास कर सकता है कि उसको सरलता से समझाए। और यहां जिन्होंने भी मुझे दान दिया है वो कविता सुनाने के लिए नहीं, भाषण सुनाने के लिए नहीं दिया, एक विज्ञान बताने के लिए दिया है, तो विज्ञान ही बताऊंगा। गुप्ता जी की समझ में नहीं आएगा, आराम कर ले, थक गए। आपने किसी अपने बेटे को पढ़ाया और वो वैज्ञानिक बन गया और घर आया और उसके माँ बाप पूछे कि आपने तुमने क्या पढ़ा सुनाओ, वो सुनाने लगा किसी ये तो हमारी समझ में नहीं आया, तो वो यही कहेगा मैं कभी कभी बनने के लिए तो गया नहीं था, मैं तो साइंस पढ़ने के लिए गया था, जो पढ़ा है वो सुना रहा हूं, कविता सुनाने के लिए तो आपने मुझे पैसा नहीं दिया था। तो वही मैं कहूंगा, दसवीं का रूपांतरण। चलो आकाश का वो लंबा जा रहा है, आप चाहें तो सुनाओ, नहीं कुछ और थोड़ा सा विषय लू, विषयांतर करें। आकाश का बहुत लंबा है, इसमें अभी कई पेज हैं। टाइम को आकाश से जोड़ते हैं, वह जोड़ना भी ठीक नहीं है, टाइम बहुत सूक्ष्म पदार्थ है और आकाश उसका बहुत स्थूल पदार्थ है। जब तक दोनों को ठीक तरह से परिभाषित नहीं किया जाएगा तब तक यह समझ में नहीं आएगा कि इनका संबंध क्या है। दो मित्र हैं, उनको कहा जाए, किसी को कहा जाए कि दो मित्र हैं, पर वो ये तो मालूम हो कि मित्र है कौन। वो एक पशु दूसरे पशु का मित्र हो सकता है, लेकिन एक मित्र एक पशु या मनुष्य किसी पौधे का, पहाड़ का, नदी का मित्र नहीं हो सकता। उनके दोनों के गुणों में कुछ समानता हो, आकाश और काल में बहुत समानता नहीं है, आकाश से काल बहुत पहले बन गया। मैं एक दूसरी चीज लेता हूं,
सूर्य का रेडियस। मैं सूर्य के न्यूक्लियस का रेडियस की बात कर रहा था। सूर्य का रेडियस मैंने तीन वैज्ञानिकों से पूछा कि सूर्य के न्यूक्लियस का रेडियस पूरे सूर्य के रेडियस के अनुपात में कितना होता है। तो एक ने कहा लगभग 30%, किसी ने कहा 25%, किसी ने कहा 15%। मैंने उनको कहा कि मैंने फिक्स निकाला है, आप फिक्स निकाल के रखिए, मैं मुंबई आता हूं। उन्होंने निकाला 1,66,000 समथिंग का उन्होंने किलोमीटर, और पूरे सूर्य का रेडियस लगभग 6.25 लाख है। मैंने कहा मेरा रेडियस है 1,50,545 किलोमीटर, और उनका 1,66,000 समथिंग, 66 के आगे 3 शून्य है, वो 3 शून्य के ऊपर 999 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने किलोमीटर तक फिक्स किया। और ये भी कहा कि ये रेडियस उस समय का है जब ऐतरेय ब्राह्मण लिखा गया। यहां संस्कृत के भी विद्वान है, और मैंने वो अर्थ किससे निकाला, एक कंड का सुनाता हूं। सहस्त्रम अनुचम स्वर्ग कामस्य सहस्र अश्विने वा इतः स्वर्गो लोक। व्याकरण से अर्थ करें, निरुक्त लगा ले, कुछ भी लगा ले, इसका ये बनता है, और आचार्य सारण यहां सभी ने यही किया है कि स्वर्ग लोक यहां से इतनी दूर है कि एक घोड़ा 1,000 दिन में वहां पहुंच सकता है। अश्विन कहते हैं एक घोड़े द्वारा 1 दिन में चली हुई दूरी। अष्टाध्याय में एक सूत्र है इसका, जिससे अश्विन शब्द सिद्ध हुआ। 1 दिन में एक अश्व द्वारा चली दूरी को अश्विन कहते हैं। तो इतना इस भूमि से स्वर्गलोक इतनी दूर है कि एक घोड़ा 1,000 दिन में चलेगा, 1,000 अश्विन। उससे मैंने रेडियस कैसे निकाला, कोई दूसरा समीकरण नहीं है, एक ही समीकरण है। सीधी सीधी बात है कि 1,000 अश्विन का अश्विन दूरी है स्वर्गलोक की। कैसे निकला ये जरा बताते हैं। पहले ये विचारे स्वर्गलोक क्या होता है। बहुत प्रमाण हम शास्त्रों को देंगे, सूर्य के न्यूक्लियस को स्वर्गलोक कहते हैं और सूर्य को भी स्वर्गलोक कहते हैं। हमारे लिए सूर्य का सूर्य भी स्वर्गलोक है, जिसमें प्रकाश है वह सूर्यलोक है, और सूर्य में भी प्रकाश उस केंद्र से आ रहा है, उस वो न्यूक्लियस सूर्यलोक है। अब ये बताओ, तो एक अश्विन क्या हुआ, एक आह क्या होता है, एक दिन, दिन को कहते हैं अहन, और अहन को भी स्वर्गलोक कहा है, अहन को भी स्वर्गलोक कहा है। मैं वैदिक प्रमाण देने की जरूरत नहीं समझता यहां। तो अहन को स्वर्गलोक कहा, इसका अर्थ हुआ कि सूर्यलोक के अंदर जो अहन भाग है, स्वर्ग भाग है, उसके उसमें जो प्रकाश चलता है उसकी दूरी कहलाती है एक अश्विन। मुझे दिखाई नहीं दे रही, उस अश्विन दूरी को अपन एक्स मान ले। देखिए ये सूर्य के न्यूक्लियस की रेडियस है एक्स, और सूर्य के यहां से दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य का रेडियस है कुल रेडियस 6,96,000 किलोमीटर। तो सूर्य के न्यूक्लियस के बाहरी भाग से पृथ्वी की दूरी हो रही है 15,06,96,000 -x किलोमीटर।
इसको कहा उन्होंने 1000 अश्विन 1000 एक्स। तो इस समीकरण से देखिए आप 15,06,96,000 माइनस एक्स बराबर 1000 एक्स। एक्स का मान निकालेंगे तो 15 लाख तो आपको निकलेगा 1,50,545 किलोमीटर। ये हमने तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने कैसे निकाला। मैंने कहा मैंने ऐसे निकाला, संस्कृत में लिखा हुआ था एक घोड़ा एक हजार दिन में सूर्य स्वर्ग लोक पे पहुंचता, इससे मैंने निकाला। हमारे अर्थों के अनर्थ ऐसे हुए हैं, जो सीधा साधा अर्थ बनता है वही हमने फिट कर दिया। शास्त्रों में कहां अहन का क्या अर्थ है, स्वर्ग लोक का क्या अर्थ है, अश्रु का क्या अर्थ है। अश्रु रश्मियों को कहते हैं, सूर्य के किरणों को भी रश्मि कहते हैं। तो उस रश्मि द्वारा ये जो दूरी चली है रेडियस, इसको कहेंगे अश्विन। इस रेडियस का और पृथ्वी के यहां का ये 1000 गुना होती है। तो लगभग ये शायद 23% या 22% बनता है। तो उन्होंने 3 उत्तर दिए थे और एवरेज में दिए थे, हमने फिक्स बताई। पिछले 7000 वर्षों में इतना हाइड्रोजन हीलियम में नहीं बदला कि इसकी दूरी बहुत ज्यादा बड़ी हो। 7000 वर्ष सूर्य के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, कुछ बड़ा होगा। तो इस प्रकार हमारी ये ब्राह्मण ग्रंथों वेदों को पढ़ने की शैली है। इस शैली पर हम कल और बताएंगे कि किसने क्या अर्थ किया, मैंने क्या अर्थ किया, आप क्या सोचते हैं। चलो थोड़ा तुम भी बताओ गला। अब रहने दो, रश्मि कल देखेंगे, काफी कठिन हो रहा है। छोटी रश्मि जुड़ करके बड़ी बनती है, बड़ी रश्मि बनके और बड़ी बनती है, इस प्रकार से चेन चलती है। अब बंद करते, मेला भी गला दुख गया, काफी बोला, बात भी करनी पड़ती है, यहां भी 2.5 घंटा बोला फिर होगा और फिर बात करनी पड़ेगी। ये गायत्री रश्मि, इससे बड़ी फिर ये रश्मि बनी, उनसे बड़ी ये रश्मि, ये बनती जाती है। तो साइंस का विषय संक्षेप में हमने समाप्त किया और जितना सरल हो सकता था वह सरल करने की पूरी कोशिश की। ये ग्रंथ लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग के लिए पढ़ा, बाकी तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। और पढ़ के बोलते तो शायद और सरल कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर पाए। अभी तो तीसरा वाली भी बाकी है। मैं समझता हूं आपको इससे अनुभव हुआ होगा कि हमारे वैदिक वाङ्मय में ऋषियों या ग्रंथों या वेदों में किस प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान बहुत जल्दी विकसित नहीं होता। वर्तमान विज्ञान भी कॉपरनिकस से प्रारंभ हुआ है, गैलीलियो से, आज इतना विकसित हो पाया है। और यह विज्ञान 5000 वर्ष से छुपा हुआ है, उसको हमने निकाला। इसको विकसित होने में भी 100 वर्ष तो चाहिए। अब ये समाप्त करते हैं और कल का विषय होगा कि भारत के राष्ट्रीय गौरव को जगाने का मूल उपाय क्या है और वेद और ऋषियों के ग्रंथों को समझने में हजारों वर्षे से क्या क्या भूल हुई, इस पर चर्चा प्रातःकालीन सभा में करेंगे। और दोपहर बाद की सभा में जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनका कमेंट, उनका वक्तव्य वो होगा। ओम शम। बेगराज जी कहते हैं कि हिंदू कौम को भ्रमित करना बहुत आसान है, इसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है और इसे समझाना सबसे ज्यादा कठिन है। हिंदुओं को समझाना बहुत कठिन है और इनको मूर्ख बनाना सबसे आसान है, और ये समझाने का कठिन काम केवल आर्य समाज के जिम्मे है, बाकी और किसी के जिम्मे नहीं। इसलिए इस घूंट को पीता है आर्य समाज।
तो इस समय देश में क्या चुनौतियां हैं, क्या हमारा गौरव था, इस सब से परिचित कराने के लिए मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं। आचार्य जी आज के इस प्रमुख सत्र को जो राष्ट्र से जुड़ा है, चुनौतियों से जुड़ा है, उसे संबोधित करें। आदरणीय आचार्य अग्निव्रत जी। ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और एक और सन्यासी हैं, आदरणीय गुप्ता जी, डामोर साहब, आर्य जी, उपस्थित भाद्र पुरुषों, युवक मातृशक्ति, विज्ञापन में लिखा था भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने का मूल उपाय क्या है, और वेद और ऋषियों के शास्त्रों को समझने में हजारों वर्षों से क्या भूले होती रही। राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय में कई हजार वर्षों में एक महापुरुष के मन में एक विचार था, टीस थी, कि जो भारतवर्ष कभी चक्रवर्ती राष्ट्र था, कभी सबसे समृद्ध राष्ट्र था, कभी संपूर्ण विश्व का गुरु था, उस भारतवर्ष का संपूर्ण वैभव कैसे नष्ट हुआ, वह महापुरुष थे केवल महर्षि दयानंद सरस्वती। महाभारत के बाद और महर्षि दयानंद के बीच में, या चाणक्य आचार्य चाणक्य के बाद ऋषि दयानंद के बीच में अनेकों आचार्य आए, जिनमें शंकराचार्य जैसा उद्भट विद्वान भी हुआ, लेकिन कोई भी आचार्य राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीय सोच से बिल्कुल रहित था। किसी भी आचार्य के मन में यह प्रश्न नहीं था कि हमारा राष्ट्रीय स्वरूप क्या होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय गौरव कैसे लुप्त हो गया। मुक्ति की बात तो बताते रहे, लेकिन राष्ट्रीय विषय पर वो मौन रहे। ऋषि दयानंद केवल राष्ट्रीय विषयों पर उन्होंने यही दुख ही नहीं जताया, बल्कि उसका कारण भी सोचा। उनका मानना था वेदोक्त धर्म का जब से भारत में लोप हुआ है और वेदोक्त विद्या जब से भारत में लुप्त हुई है, जब से भारत तब से भारत का गौरव नष्ट हुआ है। अंग्रेज संक्षेप में चलेंगे, हम सब लोग करीब 900 वर्ष पराधीन रहे। सिरोही नरेश ने तो बताया था 2400 वर्ष पहले सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ था किसी विदेशी का। इस्लाम की तलवार ने मंदिर तोड़े, तलवार के बल पर धर्मांतरण भी किया, लेकिन इस्लाम हमारी संस्कृति, सभ्यता और विद्या को नष्ट नहीं कर सका। ग्रंथ भी जलाए, लेकिन फिर भी गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी होती रही। जहां तक वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रश्न था, वो तो इस्लाम के उदय से पूर्व ही नष्ट हो चुका था। इसलिए महर्षि दयानंद कहा करते थे, महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, महर्षि जैमिनी के बाद ऐसा कोई विद्वान नहीं आया जो वेद के गौरव को समझने में समर्थ हुआ हो। आचार्य शंकर, शंकराचार्य जिनको कहते हैं, वे भी वेद तक नहीं पहुंचे और उपनिषदों का भाष्य उन्होंने किया। इस भारतवर्ष में उनका भाष्य प्रामाणिक माना जाता है। मैंने उस भाष्य को देखा है, उस भाष्य में भी वे भूले हैं जिन भूलों को लेकर के दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो वेद विरोधी है, भारत विरोधी है, वो भारतीय ऋषि मुनियों का उपहास कर सकता। उनके भाष्य में भी अश्लीलता है, उनके भाष्य में भी असंभव बातें हैं उपनिषदों के भाष्य में। केवल एक ऋषि दयानंद ऐसे हुए
जिन्होंने जो भी दिया निर्दोष रूप से संसार को प्रस्तुत किया। आचार्य चाणक्य को मैंने पढ़ा नहीं, जैसा धारावाहिक में देखा उससे लगता है कि आचार्य चाणक्य वेदों के कोई बहुत भारी विद्वान नहीं थे, राजनीति अर्थशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन वेदों का पांडित्य जैसा ऋषि दयानंद में था, ऋषि कोटि का पुरुष तो जैमिनी के बाद केवल दयानंद हुए। ऋषि दयानंद ने समझा कि महाभारत युद्ध के बाद ही, महाभारत युद्ध के कारण ही भारतीय गौरव नष्ट हुआ है। अब किसी देश का गौरव जब नष्ट होने का सबसे पहला कारण बनता है बौद्धिक स्तर गिर जाना, विद्या का लुप्त हो जाना, विज्ञान का लुप्त हो जाना, अर्थ लुप्त हुआ कमाया जा सकता है, बल भी संचित किया जा सकता है, लेकिन जो विज्ञान लुप्त हो गया उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की अनुभूमिका में लिखा है कि लुप्त हुए विज्ञान का पुनर्मिलना सहज नहीं। उन्हें भी इस बात का दर्द था जो हमको दर्द है कि कितने ही ग्रंथ हमारे लुप्त हो गए और जो ग्रंथ बचे उनको भी समझने वाला भूतल पर नहीं। और इसी दर्द के वशीभूत उन्होंने वेदों पर भाष्य करना प्रारंभ किया था। और उनका यह स्वप्न था कि जिस समय यह भाष्य प्रकाशित होगा भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा जिसको मेटने और ढांपने का सामर्थ्य किसी का नहीं हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद को समय नहीं मिला, वो चाहते थे, उन्होंने लिखा है एक वेद का भाष्य करने के लिए 100 वर्ष का आयु चाहिए, उन्हें 400 वर्ष का समय चाहिए था। अगर कुल काल को जोड़ा जाए तो 5 वर्ष से अधिक उन्हें वेद भाष्य के लिए नहीं मिला होगा, और भी बहुत कार्य। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है कि राजा भोज के समय काठ का घोड़ा और स्वचालित पंखा आज होता तो यूरोपियन इतने अभिमान में नहीं चढ़ गए होते, उस समय यही बड़ी चीजें थी। हम इस बात का विश्लेषण करें कि इस्लाम हम पर प्रभाव उतना क्यों नहीं छोड़ पाया जितना ईसाइयत ने छोड़ा, अंग्रेजी सभ्यता ने छोड़ा। इस्लाम ने हमारी माताओं को बुरका नहीं पहनाया, हमें टोपी नहीं पहनाई, लेकिन ईसाई ने, अंग्रेज ने हमें भाषा से, भूषा से, आचार से, विचार से अंग्रेज बना दिया। इसका क्या कारण है? आज 100 वर्ष पूर्व के पूर्वज इस भारत भूमि में आएंगे तो उन्हें यह लगेगा कि भारत नहीं है, यह इंग्लैंड का लंदन शहर है या और कोई यूरोप देश है। हमारी भाषा को देख करके, हमारी वेशभूषा को देख करके, हमारी खान पान जीवन शैली को देख करके, हमारे कानून को देख करके, हमारी शिक्षा को देख करके कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देती। जो सपना लॉर्ड मैकाले ने देखा था कि मैं भारत में ऐसे युवक पैदा करना चाहता हूं जो शरीर से भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हो जाए, ईसाई हो जाए। इसी प्रयोजन से मैक्स मुलर ने भी वेद का भाष्य किया और उसके साथियों ने उसे धन्यवाद दिया कि अब ईसाइयत हिंदुत्व का स्थान ले लेगी। ईसाइयत ने हिंदुत्व का स्थान लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन यह अवश्य है कि अंग्रेजियत ने भारतीयता का स्थान अवश्य ले लिया है। प्लासी का युद्ध हुआ था, लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई थी, उसका विजय जुलूस निकल रहा था तो भारतीय लोग ही ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे थे। हमने अंग्रेजों को अपना आदर्श क्यों माना? इस पर मेरा विचार यह है कि इस भारतीय पीढ़ी ने यह सोचा था कि अंग्रेज हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अंग्रेज टेक्नोलॉजी जानता है, उसके पास विज्ञान है, उसके पास अच्छे संस्कार हैं,
हम लोगों के पास संस्कार नहीं है, हम लोगों के पास विज्ञान नहीं है, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारे देश में विकास नहीं है, इसलिए उनका गुरु मान लिया। गीता में भगवान कृष्ण महाराज ने कहा है, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कृते लोका तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है लोग उसका अनुसरण करता है। हमने अंग्रेजों को अपने पूर्वजों से श्रेष्ठ माना, हमने अंग्रेजों को अपने से विकसित माना, हमने अंग्रेजों को अपने से विद्वान माना, हमने अंग्रेजों को अपने से वैज्ञानिक माना, हमने अंग्रेजों के संप्रदाय को अपने से अधिक ज्यादा वैज्ञानिक माना, इसलिए हमने खुले हृदय से उनकी शिक्षा को स्वीकार किया, उनके संस्कारों को स्वीकार किया, उनकी भाषा को स्वीकार किया, देश स्वतंत्र अवश्य हुआ, लेकिन हम उस सभ्यता से स्वतंत्र नहीं हुए जिस सभ्यता को हम पर थोपा गया था और जिस सभ्यता को हमने सहर्ष गौरव स्वीकार किया गया था। उसका कारण यह था कि जिस बात पर भारत गौरव कर सकता है, कर सकता था, वह गौरव वास्तव में नष्ट हो चुका था। वेद की स्थापना करने के लिए ऋषि दयानंद को विष पान करना पड़ा, आगे आर्य समाज की पीढ़ी ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अग्रणी भूमिका भी निभाई और देश स्वतंत्र भी हुआ। स्वामी श्रद्धानंद विद्यासंघ को कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और स्वतंत्र भारत में जिस आर्य समाज ने सबसे अधिक बलिदान दिए आजादी के लिए, लेकिन स्वतंत्र भारत में आर्य समाज को कोई सम्मान इस देश में नहीं मिला। जब स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब मैंने रेडियो में संसद में जो कार्यवाही चली थी उसको सुना कि कौन सांसद क्या बोलता है। एक भी सांसद को मैंने नहीं सुना जिसने आर्य समाज ऋषि दयानंद का नाम लिया हो। जिस समय स्वाधीनता संग्राम में सबसे अधिक नजर अंग्रेजों की आर्य समाज पर पड़ती थी, जिस समय अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बोलने का साहस नहीं करता था, जिस समय स्वामी विवेकानंद जिनको कहते हैं कि राष्ट्रवादी थे, युवकों के आदर्श वो कहा करते थे, अंग्रेजों का जन्म भारत पर शासन करने के लिए हुआ है, हमें स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लेना चाहिए, उसी ऋषि दयानंद कहते थे भारत भारतीयों के लिए है, कोई कितना ही करे स्वदेशी राज सर्वोपरि उत्तम होता है, चाहे विदेशी राज माता पिता के तुल्य सुख देने वाला क्यों न हो, फिर भी स्वदेशी राज सर्वोपरि उत्तम होता है। और इन्हीं वाक्यों लेकर के, इसी सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के, आर्याभिमने के मंत्रों को लेकर के, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, लाला लाजपत राय, कितने ही लोग बलिदान हो गए, लेकिन फिर भी संसद में एक चर्चा नहीं होती, ये श्रेय आर्य समाज को बिल्कुल नहीं मिला। उसका एक कारण है, उस कारण पर चर्चा करने से पहले हम विचार करेंगे, जिन संविधान, जब हमारे देश का संविधान बना, जिन विद्वानों ने संविधान बनाया उनमें से एक भी विद्वान ऐसा नहीं था जो भारतीय साहित्य का विद्वान था, जिसने वेदादि शास्त्रों और स्मृतियों को, दर्शनों को, उपनिषदों को जो समझता था, ऐसा कोई विद्वान नहीं था। सभी विद्वान पाश्चात्य शैली से पढ़े थे, मैकाले की शैली से पढ़े थे, इसलिए उनके मन में विचार भी नहीं आया कि संविधान बनाने के लिए मनुस्मृति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, विदुर नीति, इनका भी अध्ययन होना चाहिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। कहने को तो यूं कहते हैं, जब मनुस्मृति की प्रशंसा हम लोग करते हैं तो कहते हैं भारतीय संविधान पर मनुस्मृति की छाप है। अगर यह छाप होती तो भारत में संस्कृत भाषा की दुर्दशा नहीं होती। अगर यह छाप होती तो वेदों की दुर्दशा नहीं होती भारत में। यदि यह छाप होती गो हत्या की दुर्दशा भारत में नहीं होती। यदि यह छाप होती तो शराब पीने से जो देश की हानि हो रही है उसकी वो हुआ नहीं होती। यह छाप होती तो अंग्रेजियत हम पर हावी नहीं होती। यह छाप होती तो मैकाले की पद्धति देश में लागू नहीं होती। इसलिए ये केवल आत्मश्लाघा, आत्म प्रवंचना है।
हम अपने को छल रहे हैं कि मनुस्मृति का इस पर छाप है, और उस समय मनुस्मृति वास्तव में सही रूप में उपलब्ध भी नहीं थी। मनुस्मृति में प्रक्षेप है, बहुत गलत प्रक्षेप है, मिलावट है, लेकिन उन विद्वानों को सत्यार प्रकाश भी उन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ा भी था, ऐसी बात नहीं किसी ने पढ़ा नहीं हो, पर ऐसा लगता है उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव लाला लाजपत राय पर पड़ा था, जितना प्रभाव वीर सावरकर पड़ा था, जितना प्रभाव रामप्रसाद बिस्मिल पर पड़ा था, जो प्रभाव चंद्रशेखर आजाद पर पड़ा था वैसा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उसका भी कारण था, क्योंकि वो उसी पद्धति के दास थे जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी। सारे कोई ब्रिटिश में जाकर के पढ़ता था, भारत में पढ़ता था, तो भी ब्रिटिश पद्धति है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति दास बनता है तो बुद्धि से दास बनता है। जिस आदमी की बुद्धि में बैठ जाए कि आदमी मेरे से योग्य है, उस व्यक्ति का वो बुरा होगा तब भी उसका सम्मान करने के लिए विवश होगा। हमने अंग्रेजों को बुद्धिमान समझा, इसलिए हमने आज भी हमारा देश टेक्नोलॉजी के लिए, विज्ञान के लिए दूसरे देशों को देख रहा है। हम अमेरिका से सीखना चाहते हैं, यूरोप के देशों से सीखना चाहते हैं, रूस से सीखना चाहते हैं, जापान से सीखना चाहते हैं। मैं ठीक हूं। इसका कारण हमारे देश के नेतृत्व को यह विश्वास है कि वे ही हमसे श्रेष्ठ हैं, और वर्तमान में यह उनकी व्यवस्था भी। अगर मैकालिक शिक्षा हम अंतर से विचारें, मैकालिक शिक्षा जो बंद कर दें तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, सारे आईआईटी मेडिकल कॉलेज एम्स सारे बंद हो जाएंगे, तब देश कैसे चलेगा? हमने शिक्षा का विकल्प नहीं दिया। विकल्प क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, ऋषि दयानंद शास्त्रों का भाष्य नहीं कर पाए, और आने वाली पीढ़ी ने ऋषि दयानंद के मंतव्य को ठीक ठीक समझा नहीं। और हम जो राष्ट्र की बातें करते रहे, चाहे हम लोग हों, चाहे संघ हो, आरएसएस हो, चाहे और कोई संगठन हो, जो राष्ट्र की बातें करते हैं वो अपने विद्यालय में वही शिक्षा देने के लिए विवश हैं जो मैकाले ने हमें दी है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं होगा तो उसको स्वीकार भी कौन करेगा? और उसी शिक्षा के कारण कोई भारत माता के टुकड़े करने की बात करता है, कोई भारतीय महापुरुषों पर व्यंग करता है, कोई महापुरुष कोई भारतीय झंडे को जलाता है, कोई भारतीय इतिहास को नकारता है, कोई भारतीय विज्ञान को नकारता है, अर्थात देशभक्ति हमारे अंदर है। देशभक्ति कोई सी भी व्यक्ति में, किसी देश में उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान उसी समय होता है जब वो अपने को बौद्धिक रूप से दूसरे देशों से श्रेष्ठ मानते हैं। आज कल्पना करें, अगर भारत की युवा पीढ़ी को यह कहा जाए कि हमारा देश अमेरिका का गुलाम होगा, पराधीन होगा, अमेरिका की कानून व्यवस्थाएं चलेगी, अमेरिका की संस्कृति सभ्यता उनकी शिक्षा जैसे उनके विश्वविद्यालय में है वैसी यहां ही होगी, वहां जैसा पहनावा है खान पान है वैसे यहां भी होगा, वहां जैसी स्वच्छता वैसी यहां भी होगी, कितने भारतीय युवक होंगे जो इसका विरोध करेंगे कि हम अमेरिका की संस्कृति सभ्यता और नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का युवा खुले दिल से स्वागत होगा, आइए ट्रंप हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम सोच बैठे हैं कि वही हमें दिशा दे सकते हैं। हमारा विधान 15 देशों के संविधान को पढ़ करके बनाया गया, पढ़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या अपना भी विधान कभी पढ़ा? अपने विधान में मिलावट है। तो सत्यार्थ प्रकाश उस समय प्रकाश में आ चुका था, उन मिलावटों का संकट ऋषि दयानंद ने किया था। छठा समुलास केवल राजनीति का है। सत्यार्थ प्रकाश बचपन से लेकर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारी मानव जीवन की यात्रा को व्यवस्थित करने का एक मार्ग बताता है। सत्यार्थ प्रकाश एक पाठ्यक्रम देता है, यह बात अलग है,
उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले, और वो पाठ्य पुस्तकें भी इस देश में उपलब्ध नहीं। तो बौद्धिक रूप से दास कोई भी युवा, कोई भी देश कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगा नहीं सकता। इस पर हमने सोचा, तब राष्ट्रीय स्वाभिमान एक दिन में जगने वाला है भी नहीं। मैक्स मुलर ने भाष्य किया था, पूरा हुआ था 1868 में, आज इसको लगभग 150 वर्ष हो गए। और तब मैकाले के प्रशंसकों ने लिखा था कि अब यह भाष्य भारत के भाग्य को दूर तक प्रभावित करेगा, और दूर तक प्रभावित आप देख रहे हैं, हमारे कानून बन रहे हैं। अगर हमें समानता का कोई कानून बनाना है, समरसता के लिए कोई कानून बनाना है, तो ये देखा जाता है कि यूरोप में कैसा कानून है, अमेरिका में कैसा कानून है, जापान में कैसा कानून है, चीन में कैसा कानून है। हमें महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार के लिए कोई कानून बनाया जाता है भारत की संसद को, तब भी वो देखते हैं हमारी महिला, हमारे देश की माताएं वो झांसी की रानी से सशक्त नहीं हो रही हैं। रानी पद्मिनी आदर्श नहीं है, दुर्गावती आदर्श नहीं है, माता सीता आदर्श नहीं है, अनुसुईया आदर्श नहीं है। आदर्श यूरोप की नारी है, अमेरिका देशों की नारी है, जापान की नारी है, क्योंकि हम हमारे अंदर एक बुद्धि में बिठा दिया गया, हम उनके मानसिक बौद्धिक दास बन चुके हैं कि वे नारियां ही हमसे श्रेष्ठ हैं। और इसका उदाहरण देखना हो तो स्वामी विवेकानंद जी के पत्राचार में पढ़ लीजिए, उन्होंने अमेरिका की नारियों की जो प्रशंसा की है और भारतीय नारियों की जो निंदा की है, इसको कोई समझता भी नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा। मेरे पास है वो पुस्तक। उन्होंने भारत को जितनी गाली दी है, उतनी गाली किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं दी है। उन्होंने हिंदू समाज को जो गाली दी है, उतने दूसरे महापुरुष ने नहीं दी। मैं दिखा सकता हूं, मेरा पुत्र उनके लेटर है, और रामकृष्ण मठ से ही प्रकाशित है, कि और जगह से प्रकाशित नहीं है। और जबकि ऋषि दयानंद कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, पारसमणि जो पत्थर सुना जाता है, आर्यवर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको छूने से विदेशी दरिद्र धनाढ्य बन जाते हैं। वो कहते हैं यह सुवर्ण भूमि है। और दूसरे महापुरुष कहते हैं स्वामी विवेकानंद, भारत वर्ष बुद्धिहीन और कृतघ्नों का देश है। कैसे हम बौद्धिक दासता से मुक्त होंगे, जब इन महापुरुषों को जब इन ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष, युवकों का आदर्श, देश का आदर्श माना जाएगा। बौद्धिक रूप से दास हो चुके हैं, हमारे राष्ट्रीयता के नारे खोखले हैं, देशभक्ति की बातें खोखली हैं। क्यों? क्योंकि जिनको हमने आदर्श माना है, उनके ग्रंथों को हमने वास्तव में पढ़ा ही नहीं। मैंने कई व्यक्तियों से पूछा, स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा काम बता दीजिए देश के लिए किया हो, तो एक उदाहरण देते, उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया शिकागो में। मैंने पूछा वो भाषण तुमने पढ़ा क्या? वो तो नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ा तो मेरे पास आके पढ़ लेना, मेरे पास भाषण 14 पेज का है, और उनके पत्र भी पढ़ लेना। हमने आदर्शों को पहचानने में बहुत भूले किए। जब हमारा आदर्श, आज के देश के युवक का आदर्श ऋषि दयानंद नहीं है, कौन आदर्श है वो छोड़िए, आज तो नए नए आदर्श पैदा हो रहे हैं। क्रिकेटर, अभिनेता, अभिनेत्री, ये आदर्श है। इनको देख करके हमारा युवा जीवन जी रहा है, उनको देख करके वेशभूषा पहन रहा है, उनको देख करके खाना पीना बदल रहा है, उनको देख करके सारी जीवन स्टाइल बदल रहा है। जिस देश के युवा को यह भी पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा आचार होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, इसके लिए वो दूसरे से प्रेरित होता है, दूसरे की नकल करता है, वह देश कैसे राष्ट्रीय गौरव को जगा सकता है? नकल करने वाला कभी स्वाभिमानी नहीं हो सकता। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों को अपना अनुगामी बनाना जानता है, अनुगामी बनाने की क्षमता रखता है।
हमने शिक्षा में नकल की कर रहे, संस्कारों में नकल की कर रहे, सब सारे नीतियों की नकल की कर रहे हैं, फिर राष्ट्रवाद के खोखले नारे लगाए जाते हैं, मेरा भारत महान। आज हमारे देश में जितनी देशभक्ति की बातें होती उतनी शायद किसी देश में होती हो, लेकिन इस हमारे ही लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने में बहुत बड़ा योगदान। हमारे ही लोग नहीं होते तो मुट्ठी भर लोग बाहर के शासन नहीं कर सकते थे। व्यापारी होकर के आए और हमें बौद्धिक दास बना लिया। इस बौद्धिक दासता से छूटने का एक ही उपाय है, बौद्धिक स्वतंत्रता। बौद्धिक स्वतंत्रता कैसे आए? ऋषि नहीं है, कौन सी शिक्षा पद्धति हो? मैकाले ने, मैक्स मुलर ने एक दिन में शिक्षा पद्धति नहीं दे दी, इतने वर्ष लगे हैं। मैं बता रहा हूं, 150 साल हुए मैक्स मुलर के भाषी को, जिनके कारण से हमारा देश का राष्ट्रीय गौरव नष्ट हुआ, उन कारणों को मिटाना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। थोड़ा हम विचार करें, हमारे एक नीति भी कुछ भी लोगों का विचार होता है, बहुत अच्छा विद्यालय खोले, आवासीय विद्यालय हो, प्रातः शाम सायं यज्ञ होगा, कभी कभी आर्ष मंच के उपदेशकों को लाके उपदेश करा दिया जाएगा, आर्ष के आदर्श विद्या मंदिरों में कभी कभी लाके देशभक्ति की बातें बताई जाया करेंगी, कुछ महापुरुषों का गीत हो जाएंगे, कुछ झांकियां निकल जाएंगे, उससे देशभक्त हो जाएंगे। ये आर्य समाज का भी भ्रम है और आरएसएस का भी भ्रम। हम संध्या और यज्ञ के आधार पर ही देश को मानसिक दासता से मुक्त नहीं कर सकते, हम देशभक्ति के भाषणों से ही देश को देशभक्त नहीं बना सकते, जबकि हम पढ़ हो रहे हैं जो उन्होंने दिया है, जिनसे आप, जिनको आप फिरंगी कहते हैं, जिनको आप आक्रांता कहते हैं, जिनको आप लुटेरा कहते हैं, जिन्होंने देश को लूटा, उन्हीं की शिक्षा को पढ़ाने के लिए विवश हैं। आपके मन में विचार क्यों नहीं आता कि हमारे देश की स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था हो? ग्रंथ नष्ट हो गए, कोई बात नहीं, जब तक विकल्प नहीं पढ़ाते रहिए, पर विकल्प खोजने का मन में विचार तो आना चाहिए, बुरी बात हो या अच्छी बात हो। महाभारत में महादेव जी कहते हैं कि पाप या पुण्य सबसे पहले मन में पैदा होता है, और फिर इसके बाद वचन में पैदा होता है, उसके बाद कर्म में पैदा होता है। हमारे मन में बीज तो बना रहे, हमारे अंदर एक खोज तो जारी होना चाहिए कि कौन सी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो विदेशी बौद्धिक दासता से हमें मुक्त कर सके। जो बौद्धिक दास बन जाता है वो मानसिक दास बन जाता है, जो मानसिक दास बन जाता है राजनीतिक दास बन जाता है, आर्थिक दास बन जाता है, पूर्ण दासता। बौद्धिक दासता, पूर्ण दासता, बौद्धिक दासता, स्थाई दासता, अखंड दासता। और ये अखंड दासता, स्थाई दासता बनी हुई है, कहने को स्वतंत्र है। अब इसके लिए हमने विचार किया, अब बौद्धिक दासमा में विद्या में भी शिक्षा हमारी हो, शिक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है विज्ञान। विषय कोई भी हो, कहते हैं आज का युग वैज्ञानिक युग है, हर बात के लिए कहते हैं वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। तो भारतीय विज्ञान पर अनुसंधान होना चाहिए, इसके लिए हमने इतने पर काम करके एक आधारशिला रख दी है। इस आधारशिला के ऊपर अगर देश सहयोग करे, एक ऐसा भवन खड़ा किया जा सकता है जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हम उनको भी बता सकते हैं कि वास्तव में विश्व कल्याण करना है या आपको अपने देश का भी कल्याण करना है तो वैदिक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। यह कवि देश दूसरे देशों को शिक्षा दिया करता था, मनुस्मृति में कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा जग दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संसार के लोग
चरित्र विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए इस देश में आया करते थे, इस देश के ऋषि मुनि ऋषि मुनियों के पास आया करते थे, राजा भी ऐसा हुआ करते थे, जिनके पास ऋषि मुनि भी शंका समाधान के लिए आया करते थे, उस देश का क्या हुआ? जब टीवी पर एक बार बहस हो रही थी, एक संघ के विचारक थे राकेश सिन्हा, ऐसा कुछ नाम है, दूसरे लोगों ने पूछा क्या आप मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हो, राकेश सिन्हा चुप हो गए, मनुस्मृति का विचार को पता ही नहीं। अगर मैं होता तो मैं कहता हां शुद्ध मनुस्मृति का प्रचार करना चाहता हूं, मिलावट का नहीं। मिलावट का खंडन करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, मनुस्मृति में जो गलत बातें हैं, छुआछूत की बातें हैं, नारी शोषण की बातें हैं, उसको हम और आप मिलकर के मिटाएं और सारी मानव जाति को एक परमात्मा का परिवार बनाने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद ने महिला पुरुषों को समान अधिकार देने की बात कही थी, स्वतंत्रता की बात कही थी, शिक्षा की बात कही थी, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, लेकिन पर्दा प्रथा उतनी घातक नहीं थी जितनी आज बेपर्दा की घातक हो रही है। हमने पर्दा प्रथा के स्थान पर बेपर्दी निर्लज्जता को स्थान दिया, हमने छुआछूत मिटाई लेकिन वर्ण व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, वर्ण व्यवस्था नहीं बना सके, आश्रम व्यवस्था नहीं बना सके। यह कारण हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कुछ है जिसके आधार पर हम देश को अपने पैरों पर खड़ा कर लें। मुझे विश्वास है कि इसी पद्धति पर और युवक हमें एक अग्नियश वेदार्थी नहीं और बहुत सारे अग्नियश आने चाहिए। कल हमने विज्ञान की चर्चा की, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत कम समझ में आया होगा और बहुत कम लोगों को। गुप्ता जी भी बहुत परेशान थे, गुप्ता जी के हमारे जज साहब और सारे वकील सब परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आया क्या कमेंट करें। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं, कल भी कहा था गुप्ता जी, इसलिए बता रहा हूं, आपने जो सहयोग दिया संस्था को वो उपदेशक बनने के लिए नहीं दिया, उपदेशक तो बहुत है, आपने वैदिक वैज्ञानिक बनने के लिए सहयोग दिया है तो वेद विज्ञान पर ही तो बोलूंगा। विज्ञान कठिन है, कठिन को पचाना तो होगा ही, यदि यह विज्ञान नहीं हो, साधारण जैसा वेद का स्वरूप आज चल रहा है उसके आधार पर क्या हम कोई शिक्षा पद्धति दे सकते हैं, क्या आधुनिक साइंस को चैलेंज कर सकते हैं, तो कब तक हम उनका मुंह देखते रहेंगे। एक प्रारंभ हमने किया है, एक प्रश्न आता है प्रैक्टिकल कब होगा, हिक्स प्रैक्टिकल की एक परंपरा को बतलाता हूं। हिक्स बोसोन की कल्पना पीटर अमेरिका के वैज्ञानिक पीटर हिक्स ने 1961 में की दी थी। किसी वैज्ञानिक ने या किसी व्यक्ति ने व्यंग किया कि पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन उसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार अभी मिला 1961। लगभग 51 वर्ष बाद उसकी पुष्टि हुई। अगर कोई कहे कि आज मेरे ऐतरेय के आधार पर निकले और निष्कर्ष पर तुरंत प्रैक्टिकल हो जाए तो बिल्कुल संभव नहीं है, इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, पीटर हिक्स ने केवल एक पार्टिकल की कल्पना दी थी, मैंने ऐसी कल्पना तो सैकड़ों दी होंगी इस ग्रंथ में। आपने कल फोर्स के बारे में सुना था, वो फोर्स के बारे में मैं आधा बताया था और आधा अभी छुपा हुआ था। इसी विषय को लेकर के और जो अनुसंधान होते हैं, जब हम ऐसा कोई रिसर्च पेपर पढ़ें जिसमें केवल अपनी बात हो तो वो हम पर हावी भी होंगे कि प्रूफ लाओ, वो हमारी कमजोरी होगी। लेकिन ऐसा पेपर पढ़े कि उनके पेपरों पर पहले आक्रमण करें फिर अपनी बात बताएं तो ज्यादा प्रभावी होगा।
सूरत यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में मैंने एक बार कहा था, 2010 की बात हो सकती है, 2006 में गया था, फिर 10 में गया हूँगा, तो मैंने वहां कहा था कि मेरा ग्रंथ पूरा हो जाए फिर मैं नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में, सुभाष जी के शब्दों में कहूंगा, सुभाष जी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं कहूंगा आप मुझे फिजिक्स की समस्या दो मैं तुम्हें समाधान दूंगा। मूलभूत थ्योरेटिकल फिजिक्स की, अब ये विशाल है अग्नियश, कितने तरह के प्रश्न करते रहते हैं जो मेरे दिमाग में आता नहीं, अब जैसे प्रश्न करते हैं वैसे उसको हल भी दे देते हो, तो कोई प्रश्न करने वाला भी तो चाहिए। कल मेरे से शिकायत कर रहे थे कि इतने उदाहरण आपने दिए मुझे तो नहीं बताते कभी उदाहरण, मैंने तुम बिना उदाहरण के समझ लेते, उदाहरण देने की आवश्यकता क्या है, जब नहीं समझ में आएगा तो उदाहरण से समझाऊंगा। तो हमारी शैली ये रहेगी कि साइंस की कमजोरी ढूंढना, किसी आदमी की कमजोरी पकड़ लो वो आपको गुलाम नहीं बना सकता। क्यों नंबर था, किसी आदमी की कमजोरी पकड़ लो गुलाम नहीं बना सकता, और उस कमजोरी को दूर कर दो वो आपका गुलाम बन जाएगा। फिजिक्स की कमजोरी जो फिजिक्स है, वर्तमान फिजिक्स, वो यूरोप का ही है, ठीक है, उन्होंने हमसे सीखा, जीरो दिया, दशमलव जो भी कहते रहे, लेकिन वर्तमान में जो है वो स्थिति है। हमारे यहां चाहे मंगल मिशन या अग्नि मिसाइल या कुछ भी छोड़े, टेक्नोलॉजी हमारी स्वदेशी है, लेकिन थ्योरी किसकी है, थ्योरी उनकी है, हमारी नहीं, हम केवल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी उनकी है। तो अगर हमारी थ्योरी होगी, एक तो हमारी थ्योरी होगी और दूसरी उनकी थ्योरी पर हमारा आक्रमण होगा। आक्रमण का मतलब हमारी उनसे शत्रुता नहीं है, वो हमारे मित्र, हमें उन्हें मित्र बनाना है, या बौद्धिक आक्रमण की बात कर रहा हूं, जैसे उन्होंने हम पर बौद्धिक आक्रमण करके अपना दास बनाया है। भारत ने कभी किसी को दास नहीं बनाया, भारत चक्रवर्ती राष्ट्र अवश्य था लेकिन अपने कानूनों को थोपा नहीं, उनकी स्वतंत्रता छीनी नहीं थी। हाँ, वेदोक्त धर्म का प्रचार करना और स्थापित करना भारतवर्ष का कर्तव्य हमेशा अवश्य रहा है। उस वेदोक्त धर्म का इसलिए रहा है कि दूसरा संसार में कोई संप्रदाय था ही नहीं महाभारत काल तक, और वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है ये आपको कल पता चल गया होगा। तो अगर कोई क्या वेद को क्यों थोपना, मैं पूछूंगा इस गणित को क्यों थोपना, विज्ञान को क्यों पढ़ने के लिए मजबूर करना, इस शिक्षा पद्धति को क्यों थोपना, क्योंकि आपने उसको प्रामाणिक मान लिया है। भारतीय कानून को क्यों थोपना, स्वच्छंदता स्वतंत्रता में बहुत भेद होता है, स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए पर स्वच्छंदता की अनुमति किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। जो सत्य है उसको थोपा जाना चाहिए, अगर वो सत्य नहीं मानता है तो उस पर संवाद करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, बहस करनी चाहिए, खुला चैलेंज करना चाहिए, या तो असत्य सिद्ध कर दो, असत्य है तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वच्छंद भारत का नागरिक ये कहे मुझ पर यह कानून क्यों थोपा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा बनाया हुआ, तो क्या देश चलेगा। सत्य सब पर थोपा जाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को हितकारी काम में स्वतंत्र रहना चाहिए और सर्वहितकारी कार्य में परतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्रता परतंत्रता के बीच में कितना बढ़िया विभाजन ऋषि दयानंद ने किया है। तो शिक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है, यह सर्वहितकारी व्यवस्था का एक अंग है। आज कोई कहता है मेरे खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कौन बताएगा कि मैं क्या खाऊं, जैसे मैं गाय खाऊंगा कुछ भी खाऊंगा मेरी स्वतंत्रता है। अगर कोई कहे कि मैं तो मनुष्य का मांस खाऊंगा क्या उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
कोई कहेगा हमारे मजहब में गाय को मारना धर्म है, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो अथर्ववेद में लिखा है जो गाय को मारता है उसको शीशे की गोली से बेध देना चाहिए, क्या उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? इस देश में स्वच्छता का वातावरण इसलिए है कि स्वच्छता का विचार हमें पाश्चात्य देशों की सभ्यता और संस्कृति से आ रहा है। तो हमने इस ग्रंथ को एक चैलेंज के रूप में रखना है और इसमें आप सब साथ दे रहे हैं। ये बीज है, बीज दिखाई नहीं देता, भवन की नींव भी दिखाई नहीं देती, इस बीज को खाद पानी देने वाले जिंदा रहे, आते रहे, जुड़ते रहे तो बीज ही वृक्ष बनेगा और नीम पर विशाल भवन बनेगा। संक्षेप में कुछ बात कहूंगा, कई हमारे समाज के विद्वानों में एक चर्चा चलती है, अग्निव्रत ने व्याकरण नहीं पढ़ा, निरुक्तपन नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, कैसे काम कर रहा है। मेरी डिग्री मन देखो, काम को देखो, मुझे आज तक किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि आप क्या पढ़े हो, किसी ने नहीं पूछा। एक मेरे साथ चले गए आग्रह करके मैं भी चलूंगा, आर्य समाज के बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, विद्वान थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। मैंने मना भी किया कि नहीं मैं तो चलूंगा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बोलूंगा भी नहीं। वो शायद ये जानना चाह रहे हो कि भाभा एटॉमिक सेंटर में जाता भी है व्यक्ति कि यूं झूठ बोलता है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब वहां गए, मित्रा साहब के घर पहुंचे, पदम सिंह जी मेरे साथ थे, हमारे कोषाध्यक्ष, मित्रा साहब के लिए फल लेके गए, उन्होंने मना कर दिया। वैज्ञानिकों में ये नहीं है कि उनके लिए फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत आग्रह किया, मना कर दिया। मैं और मित्रा साहब संवाद कर रहे थे, अब उनसे रहा नहीं गया, बीच में एक प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया, मित्रा साहब ने कहा कि बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे पास डिग्री नहीं थी, मैं वो डिग्री धारी थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, लेकिन मित्रा साहब ने ऐसे कर दिया। अब वो इतने चिढ़ गए कि जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे वो बहस करने लगे, और बहस करते करते पाश्चात्य कुसभ्यता का समर्थन भी करने लगे। इसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या। और ज्यादा नहीं बताऊं, कोई बात नहीं, एक बार वो मेरा व्याख्यान दे सुन करके मूर्छित भी हो गए। मैंने उनके साथी से पूछा कि ये क्या हुआ, कनेष्ट जी पूछिए मत, वो दूसरा मामला है। ईर्ष्या बस वो भी हो गया। मैं आपको, क्योंकि थोड़ा विषय कैसे कैसे भूली हूँ, थोड़ा बताने के लिए एक दो नमूना बता रहा हूँ। यात्रे का छोड़िए वेद भाष्य का, मैंने 9 मंत्रों का भाष्य भी किया। किसी व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया कि गायत्री मंत्र का कोई 3 तरह का अर्थ करके बता दे दुनिया का व्यक्ति, तो सबसे पहले मैंने गायत्री मंत्र को ही पकड़ा। आध्यात्मिक भाष्य महर्षि दयानंद जी ने किया, वो आपने देखा है, पढ़ा है, उसको हम छोड़ते हैं और उसका भावार्थ सब जानते हैं। ग्रिफिथ का भाष्य, मे बी अटेन दैट एक्सीलेंट ग्लोरी ऑफ सविता द गॉड, सो मे ही स्टिमुलेट अवर प्रेयर्स, ये ग्रिफिथ का भाष्य। अब मेरा आध्यात्मिक भाष्य, आदि दैविक भाष्य, विस्तार से नहीं बताऊंगा कैसे हुआ, लेकिन मेरा आदि दैविक वैज्ञानिक भाष्य भूर भुवस्व तत्सवितुर्व, इसका भू नामक छंद रश्मि अथवा अप्रकाशित कर्ण अथवा कोई भी लोक, भू का अर्थ भुव नामक रश्मि अथवा आकाश तत्व, सुव नामक रश्मि अथवा प्रकाशित कर्ण फोटोन अथवा सूर्यादि तारे, तत् उस अगोचर अर्थात दूर स्थित कविता अर्थात मन, ओम रश्मि, च
सभी छंद रश्मियां विद्युत सूर्य आदि पदार्थों को वरेण्यम सब ओर से आच्छादित करने वाला व्यापक आग्नेय तेज जो संपूर्ण पदार्थ को व्याप्त करके अनेक संयोजक और मिलाने वाले बलों से युक्त होकर के प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों कणों को विभिन्न प्रकार के लोकों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। जब उस उपर्युक्त अग्नि का तेज उस पदार्थ को व्याप्त कर लेता है तब विश्वामित्र ऋषि संजय मन एवं ओम रश्मि रूप पदार्थ नाना प्रकार की छंद रश्मियों को विविध दीप्तियों प्रकाशों और क्रियाओं से युक्त करता हुआ अच्छी प्रकार प्रेरित और नियंत्रित करता है। इसका वैज्ञानिक भावार्थ मन व ओम रश्मियां व्यार्थी रश्मियों से युक्त होकर क्रमशः सभी मरो छंद आदि रश्मियों को अनुकूलता से सक्रिय करते हुए सभी कण सभी प्रकाश कण आकाश को उचित बल और नियंत्रण से युक्त करती हैं। इससे सभी लोकों तथा अंतरिक्ष में विद्यमान पदार्थ नियंत्रित ऊर्जा से युक्त होकर अपनी अपनी क्रियाएं समुचित रूप से संपादित करने में समर्थ होते हैं। इससे विद्युत बल भी सम्यक अच्छी प्रकार से नियंत्रित होते हैं। इसका भावर अब इस ऋचा का ये तो अर्थ हो गया, इस ऋचा का सृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस ऋचा की उत्पत्ति ओम छंद रश्मि इस ऋचा की उत्पत्ति से के पूर्व या ऋचा बनती है उससे पूर्व ओम रश्मियां विशेष सक्रिय होती हैं। इसका छंद दैवी रहती और निचृत गायत्री दो है इसमें भूर भुवः स्वः और आगे गायत्री भूर भुवः स्वः दैवी रहती और वो गाय निचृत गायत्री छांदस प्रभाव से विभिन्न प्रकाशित कण ये जो प्रकाश निकल रहा है या सूर्य का हो या रश्मि आदि पदार्थ तीक्ष्ण तेज और बल प्राप्त करके आपस में मिलने लगते हैं कण मिलने लगते हैं। इसके देवता के प्रभाव से ओम छंद रश्मि रूप सूक्ष्म पदार्थों से लेकर प्राण मरुद रश्मियां छंद रश्मियां विद्युत के साथ साथ सभी कण जिनको देखा जा सकता है ये प्रकाश के कण प्रभावित और सक्रिय होते हैं। इस प्रक्रिया में भू भुव स्व नामक रश्मियां ओम रश्मि से विशेष प्रेरणा प्राप्त करती हैं और सभी छोटे छोटे पार्टिकल प्रकाश के कण आकाश को भी प्रभावित करती हैं। इससे इन सभी में बल और ऊर्जा की वृद्धि होकर सभी पदार्थ विशेष रूप से सक्रिय होने लगते हैं। इस समय होने वाली सभी क्रियाओं में जो जो छंद रश्मियां अपनी भूमिका निभाती हैं वे सभी विशेष उत्तेजित होकर नाना प्रकार की क्रियाओं को करने लगती हैं। विभिन्न लोग चाहे वे तारे हों अथवा ग्रह आदि हों अथवा उपग्रह आदि हों सभी की रचना के समय यह गायत्री मंत्र की रश्मि भूमिका निभाती है। इसके प्रभाव से संपूर्ण पदार्थ में विद्युत और ऊष्मा की वृद्धि होती है परंतु इस स्थिति में भी यह रश्मि विभिन्न कणों और क्वांटाज को प्रकाश के कणों को सक्रियता प्रदान करते हुए भी अनुकूलता पूर्वक नियंत्रण करने में सहायक होती है। इतनी ऊष्मा नहीं होती कोई हानि हो जाए नियंत्रित अवस्था में रहती है और इसके लिए और दूसरी जगह देख सकते हैं बहुत सारी जगह इसका प्रभाव बताया है। इनका स्वर होता है षडज गायत्री छंद का स्वर माना है षडज। इसके प्रभाव से ये रश्मियां अन्य रश्मियों को आश्रय देने नियंत्रित करने दबाने और ढोने में सहायक होती हैं और व्याहृति रश्मियों का स्वर मध्यम इन्हें विभिन्न पदार्थों के मध्य में प्रविष्ट होकर अपनी भूमिका निभाने का संकेत देता है। यह हमारा गायत्री मंत्र। अब हमने इसका आदि भौतिक भाष्य भी किया। तीन प्रकार का भाष्य करने की चुनौती थी, आध्यात्मिक किया ऋषि दयानंद ने इसलिए हमने किया नहीं, आदि दैविक वैज्ञानिक भाष्य किया, आदि भौतिक भाष्य। भू कर्म विद्या ये ऋषि दयानंद का अर्थ है। सविता कर्म विद्या उपासना विद्या एवं ज्ञान विद्या इन तीनों विद्याओं से संपन्न सवितु देवस्य
दिव्य गुणों से युक्त राजा, माता पिता अथवा उपदेशक आचार्य अथवा योगी पुरुष के स्वीकरणीय वरेण्यम स्वीकरणीय श्रेष्ठ भर्गा पापादि दोषों को नष्ट करने वाले समाज राष्ट्र व विश्व में यज्ञ अर्थात संगठन त्याग बलिदान के भाव को समृद्ध करने वाले उपदेश अथवा विधान को धीमय हम सब मनुष्य धारण करें। यह जो राजा योगी आचार्य व माता पिता और उनके विधान व उपदेश न हमारे धीय कर्म और बुद्धियों को प्रचोदया व्यक्तिगत आध्यात्मिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय वैश्विक उन्नति के पथ पर अच्छी प्रकार प्रेरित करते हैं। ये आदि भौतिक इसका भावार उत्तम योगी व विज्ञानी माता पिता आचार्य एवं राजा अपनी संतान शिष्य व प्रजा को अपने श्रेष्ठ उपदेश एवं सर्व हितकारी विधान के द्वारा सभी प्रकार के दुखों पापों से मुक्त करके उत्तम मार्ग पर चलाते हैं। ऐसे माता पिता आचार्य एवं राजा के प्रति संतान शिष्य प्रजा अति श्रद्धा भाव रखे, जिससे संपूर्ण परिवार राष्ट्र व विश्व सर्वविध सुखी रह सके। ये हमारा गायत्री मंत्र हुआ। मैं एक और तीन मंत्र लूंगा, एक मंत्र में सुना देता हूं। कुंताप सूक्त अथर्ववेद में कुंताप सूक्त बड़ा विवादित सूक्त है और उस पर मैंने बहुत लिखा है अपने भाष्य में। कुंताप सूक्त पर उसके चार छोटे छोटे मंत्र हैं। सारण का साहसी नहीं हुआ इसका भाष्य करने में, कुंताप सूक्त का। क्षेमकर्णी दास त्रिवेदी ने क्या समाज के विद्वान और प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार उनका भी भाष्य छपा है इन पर, साणे ने नहीं किया, सात वलेकर जी ने किया, जिनमें से कुछ को वो छोड़ गए। सात वलेकर जी का नाम आपने सुना है, पंडित दामोदर सात वलेकर, विद्या मार्तन या वेद मार्तन पद्म भूषण से सम्मानित, वेद मूर्ति उपाधि। उनका भाष्य जरा सुनिए कि हमने कैसे कैसे लोगों को विद्वान माना है। मैं निंदा की दृष्टि नहीं कर रहा, मैं आपको सुना दूंगा, आप स्वयं आत्मा से सोच लेना। अथर्ववेद के 20वें कांड का 132वें सूक्त के 13, 14, 15, 16 मंत्र। पहला मंत्र त्रीण उष्ट्रस्य नामानि, दूसरा हिरण्य इत्ते के अब्रवीत, तीसरा द्वौ वा ये शिशवा, चौथा नील शिखंड वाहन। दामोदर जी का सात वाले के भाष्य पर देखिए, ऊंट के तीन नाम हैं। पहले मंत्र का भाष्य है ऊंट के तीन नाम हैं, दूसरा भाष्य है सोना एक है ऐसा उसने कहा, तीसरे मंत्र का भाष्य है दो यश और बल ये हैं, चौथे मंत्र का भाष्य नीले चूड़ों वाला बजाएगा। क्या समझ में आया? ऊंट के तीन नाम है, सोना एक है ऐसा उसने कहा, ये यश और बल ये है और नीले चूड़ों वाला बजाएगा। इसका कुछ अर्थ समझ में आया? एक मंत्र का भाष्य डेढ़ जंगली गधा, एक मंत्र का भाष्य डेढ़ जंगली गधा, क्या अर्थ निकला? ऐसा भाष्य करते हुए उनकी लेखनी रुकी नहीं, लेकिन वेद मूर्ति है, भारत सरकार पद्म भूषण से सम्मान कर रही है, वे वेद मार्तंड की डिग्री है। और हमारे एक विद्वान स्वामी दीक्षानंद जी ने कहा है कि वेद पर जो काम पंडित सातवलेकर जी कर गए हैं ऐसा शायद ही कोई कर सकेगा। आर्य समाज के विद्वान स्वामी दीक्षानंद जी लिख रहे हैं कि जैसा पंडित सातवलेकर जी कर गए हैं वैसा शायद ही कोई कर सकेगा वेद पर काम। क्या हमारे समाज को ये भाष्य मानने? क्षेमकांड जी त्रिवेदी जी का भाष्य बता रहा हूं, ऋषि दयानंद के भाष्य के स्थान पर मैंने कोई भाष्य नहीं किया, अलग भाष्य किया। क्षेमकांड जी के भाष्य होते हुए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझसे पूरा सहमत नहीं हूं। वो लिखते हैं प्रतापी परमात्मा के तीन नाम हैं, पहला भाष्य
पहले मंत्र का। दूसरा, एक हिरण्य और दो यश बल तथा बल है ऐसा हुआ मनुष्य कहता है। तीसरा, नील शिखंड नीली निधियों व निवास स्थानों का पहुंचाने वाला परमेश्वर निश्चय करके व्यापक है। उससे तो बहुत ठीक है, लेकिन यह भी ऐसा ठीक नहीं है कि इसको मान लें कि भगवान की वाणी है, ऐसा ठीक नहीं है। अब आर्षमन के दूसरे विद्वान प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार, उनका भाष्य अच्छा है, आध्यात्मिक है और बालगढ़ से छपा है। उष्ट्र से सांसारिक दाहों तथा ताप संतापों से त्राण करने वाले बचाने वाले परमेश्वर के तीन नाम है। कई एक अर्थात सात्विक प्रवृत्ति के उपासक कहते हैं कि वह हिरण्य नाम वाला है, ऐसा ही वेद ने भी कहा है। परमेश्वर सबका हित करता है, रमणीय हृदयों में रमता है, वेद में भी कहा है, अर्थात वह परमेश्वर हिरण्य के रूप वाला है। तथा जो ये शिशु बुद्धि के लोग हैं वे कहते हैं कि उसके दो नाम है। वे दो नाम कौन से? नील वाहन और शिखंड वाहन। वो लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति संसार के नानाविध रंग बिरंग को चाहता है, शिशु बुद्धि वाले लोग कहते हैं परमेश्वर नील वाहन है। और तमोगुण वाले व्यक्ति जगत का वहन करता है और वह शिखंड वाहन है। रजोगुणी जगत का वहन करता है, तमोगुणी जगत तमो में दिखता है, रजोगुणी को रजोमय, सत्वगुणी को सत्वगुण दिखता है। तो उनका आध्यात्मिक भाष्य अच्छा है, लेकिन पूरी तृप्ति तो मुझे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनका सम्मान रखने के लिए, वो कुछ ठीक भी है, मैंने इस पर आध्यात्मिक भाष्य नहीं किया है, वैज्ञानिक भाष्य मैंने इस पर किया है और आज होते भी किया है। पहला मंत्र लेते हैं, त्रीण उष्ट्रस्य नामानि। संस्कृत का कोई भी पंडित यही कहेगा इसका ये अर्थ बनेगा, त्रीण उष्ट्रस्य नामानि, ऊंट के तीन नाम है। क्यों पंडित जी ये अर्थ करेगा? वेद बता रहा है ऊंट के तीन नाम है। अच्छा, प्रोफेसर विश्वनाथ जी के पास में ऐसा वेद ने कहा है, वेद में ही लिखा है और वेद में कहा है, संगति नहीं लग रही? ऊपर सुन में लिखा होता फिर कहता कि वेद में भी कहा, तब तो ठीक था। मैं कहूं अग्निव्रत ने भी ऐसा कहा है, गड़बड़ नहीं है क्या? ये कहूं मैं अग्निव्रत ऐसा कह रहा हूं तब तो ठीक है, अग्निव्रत ने भी ऐसा कहा है तब मामला गड़बड़ है। चलिए, हालांकि हमारे अग्नियश आग्रह करते रहे कि इसका आज भी आध्यात्मिक करो, मैंने एक विद्वान को तो रहने दो, छोड़ो। इस ऋचा का पहले सृष्टि पर प्रभाव, उष्ट्रस्य तीन उष्ट्रस्य नामानि। इन मंत्रों के देवता और छंद के विषय में केवल क्षेमकर्ण दास जी त्रिवेदी ने ही लिखा है, अन्य भास्कर मौनिक ने कहा देवता क्या है, ऋषि क्या है। हमारे मत में सभी मंत्रों का ही नहीं है, तो अथर्वेद 20वें कांड के 127 से 136 तक कुल 10 सूक्तों का ऋषि कुंताप है। इसी कारण इन 10 सूक्तों को कुंताप कहा गया है। कुंताप क्या होता है? यह एक ऐसा सूक्ष्म प्राण है जो वज्र रूप व वज्रयुक्त विकरणों को और अधिक तपाता है, जो वज्र रश्मियां डार्क एनर्जी को नष्ट करती है उसको और हीट देता है और उसको एक्साइट करता है, अर्थात उन्हें बलशाली और उष्ण बनाता है। इसके विषय में पाठक खंड 6.32 का गंभीरता से अवलोकन करें, पुस्तक को पढ़े, कुंताप के बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए यहां नहीं लिखा। तारों के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाएं, बिजली की क्रियाएं, इसके प्रभाव को तीक्ष्ण बनाती हैं। यह ऋषि का अभी प्रभाव बता रहा हूं, अर्थ नहीं बता रहा। इसका देवता प्रजापति है, इस कारण इसके देवता के प्रभाव से तारों के अंदर विभिन्न छंद व प्राण रश्मियां तपने और देदीप्यमान होने लगती, तारों का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिससे तारों के अंदर उनके बलों में वृद्धि होने लगती है। ये ऋषि और देवता का प्रभाव, छंद का प्रभाव, इसका छंद दैवी जगती है, इसके प्रभाव से विभिन्न देवों
अर्थात प्राण और छंद रश्मियों के परस्पर मिलने और अलग होने के क्रियाएं समृद्ध होती हैं। ये रश्मियां तारों के अंदर दूर दूर तक फैलकर अपना प्रभाव दर्शाती, ये इसके देवता का प्रभाव। अब इस रश्मि खुद का प्रभाव, इसके शब्दों का प्रभाव, त्रिण का प्रभाव, उष्ट का प्रभाव, नामानी का प्रभाव, इसका प्रभाव, जो ये वाइब्रेशन होते हैं। तारों के अंदर तीन प्रकार की छंद रश्मियां ऊष्मा को समृद्ध करते हुए विभिन्न परमाणुओं को नाना क्रियाओं में तारने में समर्थ होती हैं। यह तारने का आशय है कि असुर आदि, असुर ऊर्जा, डार्क एनर्जी आदि रश्मियों के प्रहार से उन परमाणुओं की रक्षा करती है। वे तीन छंद रश्मियां कौन सी हैं? यह आगामी ऋचाओं के भाष्य में दिखाया जाएगा। यह नाम का शब्द, नाम का अर्थ है छंद रश्मियां। यह ऋचा तीन ऋचाओं को प्रेरित भी करती। ये वाइब्रेशन आगे जो तीन मंत्र हैं उन वाइब्रेशंस को, उन ऋचाओं को प्रेरित करता है। हमारे विचार से यह छंद रश्मि न केवल आगामी तीन छंद रश्मियों को प्रेरित करती है, अपितु तो तीन प्रकार की छंद रश्मियों को भी प्रेरित करती है। इसका प्रभाव हुआ सृष्टि पर। अब इसका अर्थ क्या किया मैंने? प्रमाण नहीं बता रहा, केवल अर्थ बता रहा हूं। तारों के अंदर विभिन्न प्राण और छंद आदि रश्मियां नाना प्रकार की विद्युत, चुंबकीय आदि तरंगों एवं कणों को उत्तेजित, प्रेरित करते हुए ताड़ती हैं। इससे उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। दूसरी ओर उस समय विभिन्न कणों के मध्य संयोजन, नाभ की संलयन आदि क्रियाओं में बाधक बन रही सूक्ष्म असुर रश्मियों को, अर्थात डार्क एनर्जी को नष्ट करती और नियंत्रित करती हैं। ऐसी प्रक्रियाओं तथा उन्हें संचालित और प्रेरित करने वाली रश्मियों को ही उष्ट्र कहा जाता है। जो उस असुर ऊर्जा को, डार्क नष्ट करती है, उन रश्मियों को उष्ट्र कहा जाता है। अब वो उष्ट्र, ऐसी उष्ट्र संजक रश्मियां तीन प्रकार की छंद रश्मियों के रूप में होती है। उष्ट्र रूप रश्मियां कौन सी होती है? तीन प्रकार की होती है। ये तीनों प्रकार की छंद रश्मियां अन्य छंद रश्मियों को नाना बाधाओं से पार लगाने में समर्थ होती है। ये इसका है मेरा आदि दैविक भाष्य। इसका भावार्थ, तारों के अंदर तीन प्रकार की छंद रश्मियां अन्य छंद रश्मियों को प्रेरित करके ऊष्मा में वृद्धि करने के साथ डार्क एनर्जी आदि दुष्प्रभावों को नष्ट करते हैं। अब मेरा आध्यात्म आदि भौतिक भाष्य, जो व्यवहारिक भाष्य, राजा के शत्रुओं व प्रजा के अंदर ही विद्यमान राष्ट्रद्रोही तत्वों को दग्ध करने वाले राजा, उष्टकार्थ या राजा, राष्ट्रद्रोही तत्वों या शत्रुओं को दग्ध करने वाले राजा के तीन व्यवहार प्रसिद्ध हैं। ने नाम कर लिया व्यवहार। राजा के व्यवहार राजा को ख्याति प्रदान करने तथा राजा व राष्ट्र को शत्रुओं के संताप से तारने वाले होते हैं। भावार, किसी राष्ट्र का राजा तीन प्रकार के कर्मों के द्वारा प्रजा का रक्षण करके ख्याति को प्राप्त करता है। ये मेरा इस मंत्र का त्रीण उष्टर्ष नामानी का दो प्रकार का भाव। अब दूसरे का, हिरण्य इत्येक अब्रवीत। उन्होंने किया, सोना एक है ऐसा उसने कहा। इसके ऋषि और देवता का प्रभाव पहले के समान, छंद का प्रभाव। पंडित क्षेमकर्णी त्रिवेदी ने इसका छंद आसुरी जगती माना है, परंतु इसमें हिरण्य पद विद्यमान होने से इसका प्रभाव तेजस्वी होने के कारण हम इसे आसुरी छंद रश्मि स्वीकार नहीं कर सकते। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आसुरी रश्मि आदि पदार्थ अप्रकाशित ही होते हैं, इसी कारण ही इसे आसुरी जगत के रूप में स्वीकार हम नहीं कर सकते। प्रभाव से तारों के अंदर विभिन्न रश्मियों और परमाणु आदि पदार्थों की गति और संयोजकता में वृद्धि होती है। इसके लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल अनुकूलता से समृद्ध होते हैं। इसका देवता का प्रभाव, छंद का प्रभाव। अब इसके शब्दों का प्रभाव, हिरण्य इत्ये का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव होता है सृष्टि पर? उपर्युक्त तीन प्रकार की छंद रश्मियों से यह पहली छंद रश्मि है। यह तारों के अंदर दूर दूर तक फैलकर सुनहरा रंग उत्पन्न करती हुई प्रकाशित और सक्रिय होती है। इस रश्मि से
सुनहरा रंग उत्पन्न होता है या सुवर्ण रंग वाली अथवा इस वर्ण को उत्पन्न करने वाली छंद रश्मि तीक्ष्ण भेदक बलों को उत्पन्न करके उत्पन्न व समृद्ध करती हुई तारों के अंदर पदार्थ के अनुकूलता पूर्वक विभाग करती हुई अणुओं को तोड़ती हुई डार्क एनर्जी विभाग करती हुई बाधक डार्क एनर्जी आदि अनिष्ट रश्मियों को नष्ट व नियंत्रित करती है। आचार्य पिंगले अनुष्टुप छंद्र का वर्ण पिशंग पीला माना है। निश्चित ही यह हिरण्य का जो अर्थ हमने लिया है सुनहरा वो पीला ही रंग से समानता रखता है। इसके साथ ही पूर्व छंद रश्मि के प्रभाव से तारों में विद्यमान अनुष्टुप छंद रश्मियां भी प्रेरित और सक्रिय होती है, ये मेरा वैज्ञानिक अर्थ। अब आदि दैविक आदि भौतिक दूर दूर तक व्याप्त होने वाली नहीं, हाँ ये भाष्य ये तो ऋचा का प्रभाव है। अब इसका अर्थ क्या किया, एक है दूर दूर तक व्याप्त होने वाली एक छंद रश्मि तारे के अंदर दूर दूर तक व्याप्त होती हुई सुनहरे रंग वाली एवं तीक्ष्ण भेदक व आकर्षक बलों वाली होकर नाना प्राण रश्मियों को समृद्ध करके विभिन्न परमाणुओं के संलयन संयोजन के द्वारा नाना अणुओं के निर्माण का बीजारोपण करने वाली होती है या तारों के कणों के संलयन की प्रक्रिया का संकेत है। वह ऐसी छंद रश्मि सर्वत्र प्रकाशित और सक्रिय होती है। भावार्थ, तारों के अंदर सुनहरे रंग की रश्मियां तारों में दूर दूर तक व्याप्त होकर अपनी भेदन क्षमता के द्वारा डार्क एनर्जी को नष्ट व नियंत्रित करके अपनी संयोग क्षमता के द्वारा विभिन्न कणों को आपस में मिलाने में सहयोग करती हैं, ये इसका वैज्ञानिक अर्थ है। अब आदि भौतिक भाष्य, राजा के तीन व्यवहार बताए जो देश के शत्रु से निपटे और अपने देश के राष्ट्रद्रोही तत्वों से। ये पुलिस विभाग के अधिकारी रहे, इनको इनके लिए अनुकूलता होगी समझने में। उपर्युक्त तीनों में से एक व्यवहार यह है कि योगी राजा संपूर्ण राष्ट्र की एकता के हित सुवर्ण आदि धन धान्य से संपन्न होकर अपने राष्ट्र की प्रजा का सतत प्रेम पूर्वक हित करता हुआ उसे राष्ट्र उत्थान के कार्य में प्रेरित व धारण करने हेतु अपने मधुर व हितकारी वचनों को कहता है, जिससे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय एकता व अखंडता हेतु शत्रु सेना के षड्यंत्रों के प्रति सचेष्ट रहता है। इसके साथ ही वह ऐसा राजा अपने यश और वैभव के साथ साथ अपनी हित कामना से शत्रु को अनुकूल और युक्त वचनों के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है, इसका आदि भौतिक अर्थ। इसका भावार्थ, सुयोग्य राजा विद्या व यश व सुवर्ण आदि धन से संपन्न होकर अपने सर्व हितकारी वचन और कर्मों के द्वारा अपनी प्रजा के साथ शत्रु राजा व समाज कंटकों को भी जीतने में समर्थ हो सकता है। शत्रु व शत्रुता को जीतने का यह पहला प्रकार है। साम शांति से समाधान होना चाहिए, पहला यही है। अब तीसरा मंत्र आता है, द्वौ वा ये शिशवः, वहां कहता इसका अर्थ बनता है ये दो बच्चे हैं। वह बच्चे शिशु का अर्थ यश और बल किया था। इसका ऋषि और देवता का प्रभाव पहले जैसा है, छंद और ऋचा का प्रभाव। श्री क्षेमकर्ण जी त्रिवेदी ने इसका छंद याजसी गायत्री माना। हमारी दृष्टि में इसका छंद दैवी त्रिष्टुप है। इसका संकेत हमारे आदि बहुत दैविक भाषा में मिल जाएगा। इसके प्रभाव से सभी प्राण और प्रकाशित परमाणु व रश्मि आदि पदार्थ तीक्ष्ण तेज बल से युक्त होते हैं। ये रश्मियां तीव्र वज्र रूपक डार्क एनर्जी को नष्ट व नियंत्रित करने में सहायक होती है। अब इसका अर्थ वैज्ञानिक अर्थ आदि भौतिक दैविक, उपर्युक्त एक छंद रश्मि पहले एक तीन वहां बताए तीन रश्मि है उनमें से पहली रश्मि अब यह दूसरी रश्मि है। उपर्युक्त एक छंद रश्मि अनुष्टुप छंद रश्मि कहते हैं। दो छंद रश्मियां भी वज्रूप कार्य करके डार्क एनर्जी को नष्ट व नियंत्रित करके उपर्युक्त संयोग परमाणु को मिलाने के कारण में यह भी सहयोग करती हैं। ये दो रश्मियां शिशु रूप होती है। शिशु का अर्थ होता है बालक, लेकिन यह बालक नहीं है। यहाँ शिशु का अर्थ क्या है, ये इंद्र देवता वाली दो त्रिष्टुप रश्मियां होती है। ये रश्मियां तारों के अंदर विद्यमान पदार्थ को तीक्ष्ण और खंडित करती। यहां शिशु का अर्थ है तीक्ष्ण रश्मि, त्रिष्टुप रश्मि।
प्रमाण के साथ लिखा है, शतपथ ब्राह्मण में लंबा हो जाएगा, ऋषियों के प्रमाण दिए हुए। इसका भावार उपरोक्त छंद रश्मि कहते हैं, दो दृष्टुप छंद रश्मियां डार्क एनर्जी को अपनी तीक्ष्णता से काट कर नियंत्रित करती है और संयुज कणों को अपेक्षित ऊर्जा प्रदान करती है, आदि भौतिक भाष्य। उपरोक्त व्यवहार के अतिरिक्त कुशल राजा दुष्ट शत्रु को नियंत्रित करने के लिए दो अन्य प्रकार के व्यवहार ये हैं। कौन कौन से? वे दोनों व्यवहार उस शत्रु व समाज कंटक को विदीर्ण, समाज कंटकों को विदीर्ण व खंड खंड करने में समर्थ होते हैं। इसके साथ ये व्यवहार प्रजा के द्वारा प्रशंसित होते हैं। अगर मधुर वचनों से, विकास आदि बातों से समाज कंटक नहीं सुधरते तो उनके लिए दो उपाय हैं, उन कंटकों को विदीर्ण किया जाए या सीमा पार के शत्रुओं को भी विदीर्ण किया जाए। भावर, जब राजा अपने मधुर वचनों व हितकारी व्यवहार से शत्रु को नियंत्रित व जीत न सके, अतः शत्रु अत्यंत दुष्ट प्रकृति का हो, तब राजा उन्हें दंडित व नष्ट करने के दो तीक्ष्ण उपायों का आश्रय लेवे। वो कौन से उपाय हैं? ये अगले चौथे मंत्र में नील शिखंड वाहना, इसका सृष्टि पर प्रभाव, इसका छंद स्वराट याजुषी पंक्ति अथवा भुरिक याजुषी उष्णिक है। वस्तुतः यह दोनों रूप में व्यवहार करती है। इसके प्रभाव से पूर्वोक्त दोनों रश्मियां पैदा हुई थी अधिक विस्तृत और उष्णता से समृद्ध होती हैं। इस कारण वे तीक्ष्ण वज्र रूप धारण करके असुर तत्व डार्क एनर्जी को नष्ट और नियंत्रित करने में और अधिक सक्षम बनाती है। वैज्ञानिक भाष्य, पूर्वक दोनों त्रिष्टुप रश्मियों को तीक्ष्ण बनाने हेतु दो छंद रश्मियां जिनका वर्णन छांदस प्रभाव के अंतर्गत किया गया उत्पन्न होती है, वे है कौन की छंद रश्मियां? नील वर्ण युक्त अर्थात पंक्ति छंद रश्मि। ध्यान रहे कि आचार्य पिंगल ने पंक्ति छंद का रंग नीला बताया है। यह छंद रश्मि उपरोक्त दो त्रिष्टुप छंद रश्मियों में से एक को धारण करके उसे विस्तार के साथ साथ संयोजकता और परिपक्वता प्रदान करती है। शिखंड वाहना दूसरी छंद रश्मि मोर के पंख की चितकबरे रंग की होती है। आचार्य पिंगल ने उष्णिक छंद का रंग चितकबरा लिखा है, सारंग। हमारे मत में सारंग को शिखंड मानना चाहिए। इस कारण दूसरी वाहन रूप रश्मि उष्णिक होती है। यह छंद रश्मि ऊपर एक दो त्रिष्टुप छंद रश्मियों से एक को वहन करके उसे और अधिक उष्ण बनाती है। इस कारण यह तीन छंद रश्मियां हो गई जो डार्क एनर्जी को नष्ट करती है। अब इसका भावार्थ कर दें जल्दी। पूर्वक दो त्रिष्टुप रश्मियों को एक एक करके एक पंक्ति तथा दूसरी उष्णिक छंद रश्मि वहन करती है। इससे नीले चितकबरे रंग तारों में उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ दोनों त्रिष्टुप छंद रश्मियों का रंग भी लाल प्रकट होता है। डार्क एनर्जी को प्रक्षेप और प्रतिकर्षक प्रभाव शांत हो जाता है और सूर्य में संयोग की क्रियाएं संपन्न होती है। यह हुआ वैज्ञानिक। अब आदि भौतिक, पूर्वोक्त दो दंड इस प्रकार है। राजा कौन से दंड दे? ऐसे युद्धक विमानों वाहनों से जो भांति भांति के रंग और रूपों को प्रकट करने में सक्षम हो, से शत्रु सेना को भ्रमित व भयभीत किया जाए, एकदम मारा नहीं जाए, उनको भ्रमित या भयभीत किया जाए। शत्रु आज भी ऐसा ही करते हैं, हवाई फायर करते हैं, जब नहीं मानता तो सीने में फायर करते, टांगों में फायर करते हैं। शत्रु सेना को भ्रमित व भयभीत किया जाए, इससे शत्रु बिना युद्ध किए युद्ध से भाग खड़ा हो सकता है। यदि शत्रु फिर भी युद्ध में डटा रहे तब दूसरा उपाय शिखंड वाहना। दुष्ट शत्रु सेना पर ऐसे युद्धक विमानों जो नाना प्रकार की चित्तकबरी ज्वालाओं से युक्त हो तथा वे ज्वालाएं तीव्र वाहनी होने के साथ साथ तीव्र गर्जनों एवं विध्वंसक बलों से युक्त हो से प्रहार करे, इससे दुष्ट शत्रु सेना भाग जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। ध्यातव्य है कि धर्मात्मा सज्जन व्यक्ति को कभी शत्रु न माने, बल्कि दुष्ट अधर्मी क्रूर लोकहित के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह को ही अपना शत्रु समझे। भावार, जब राजा मधुर वचनों से शत्रु का हृदय जीतने में सफल न हो सके तो वह शत्रु से यहाँ पर भांति भांति के रंग रूप धारण करने में सक्षम तथा घोर गर्जना एवं रंग बिरंगी विध्वंसक ज्वालाओं को प्रकट करने वाले युद्धक विमानों से प्रहार करे, जिससे शत्रु सेना बिना युद्ध किए भयभीत होकर भाग जाए अन्यथा नष्ट हो जाए। ध्यान रहे संहारक युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, वह भी केवल लोक शत्रु दुष्ट अधर्मी व्यक्ति के साथ, अन्यथा कभी किसी को भी व्यर्थ दंड न दे,
किंवा व्यक्तित्व लाभ अहंकार के वशीभूत किससे युद्ध न करे, ये मेरा अर्थ है। मैं समझता हूं कि उपाधि पूछने की जरूरत नहीं है, अगर इसको विद्वान पढ़ ले। वैज्ञानिक भाष्य तो समझ में नहीं आएगा, आध्यात्म तो समझ में, आदि भौतिक तो समझ में आ जाएगा। तो जब वेदों का इस प्रकार का भाष्य होगा, ब्राह्मण ग्रंथों का ऐसा भाष्य होगा, तुम ऐसा विज्ञान देंगे, ऐसा समाज बन दे, ऐसा समाज शास्त्र दे सकेंगे, ऐसे राजनीतिक दिशा दे सकेंगे, और फिर उसे भारत के अन्य शास्त्रों में भी भारतीयों की श्रद्धा होगी, तब हम कहेंगे आए हम इस राष्ट्र को बौद्धिक दासता से मुक्त करें। अभी तो बौद्धिक दास हैं, परमात्मा हम सबको शक्ति दे, हम बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं, और वह कदम इस ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है। यह संदर्भ ग्रंथ है, यह मेरा अपना ग्रंथ नहीं है। ऋषि ने लिखा, उसको मैंने जैसा समझा वैसा उसका व्याख्यान करने का संक्षेप में प्रयास किया, और अधिक विस्तार से करता तो 10,000 पृष्ठ होते। अब इसके आधार पर छोटे 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 बहुत सारी पुस्तकें आगे भविष्य में बन सकती हैं और बनेंगी। 10वीं क्लास वाला भी पढ़ सके, 12वीं वाला पढ़ सके, स्नातक वाला, स्नातकोत्तर वाला, 4 स्तर की पुस्तकें भी उसके आधार पर लिखी जाएंगी। इसके लिए सबका सहयोग मिले, कर्म मन से, वचन से, कर्म से, नैतिकता का सहयोग मिले, इसी आशा अपेक्षा के साथ ईश्वर हमारे भारतवर्ष को पुनः जगत गुरु आर्यावर्त की ओर प्रवृत्त कर सके, ऋषि दयानंद के सपनों का साकार हो सके, या मेरा राष्ट्र श्री राम राष्ट्र, श्री कृष्ण राष्ट्र, मनु राष्ट्र बन सके, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। आप सभी की 2 दिन की तपस्या लगभग पूरी होने जा रही है, और इस गंभीर विषय को, जिसकी पूर्णता आप सभी के बीच में बड़ी प्रसन्नता के साथ, और कॉपीराइट का काम, उसके प्रकाशन का काम, ये सब आज की यह सभा उसकी ऐतिहासिक रूप से साक्षी है कि आपके सामने वो उद्देश्य न्यास का जो आज से 11 साल पहले प्रकट हुआ था, वो संकल्प पूरा हो रहा है, और उस संकल्प से जुड़ी हुई वो सभी बातें ध्यान में हैं आचार्य श्री के, जिसमें उन्होंने उद्घोष किया था कि हम 12 साल में विश्व भर के वैज्ञानिकों को अपने वैदिक मंतव्यों से परिचित कराकर और उन्हें नतमस्तक करेंगे, और साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर की सत्ता के विषय में भी वो लोग निश्चित रूप से हामी भरने की मुद्रा में होंगे। तो उस संकल्प को हम सफल होता हुआ देख रहे हैं। जो भी ये कुंताप सूक्त की बात आचार्य जी ने की, वास्तव में ये हम जब विद्वानों से बात करते थे तो इसके बारे में लोग कहते कि अपने समझ में नहीं आता, और एक व्यक्ति ने तो दिल्ली में यहाँ तक कह दिया कि इस पर अगर कोई व्यक्ति अच्छा भाष्य करे तो मैं सारा उसके सामने, आप लोग जानते होंगे कि मैं उसके चरणों की धूल को अपने सिर पर लगाने के लिए तैयार हूँ। और वो व्यक्ति कई दशक से वेदों पर अनुसंधान कर रहे हैं, अरविंद चेतना आश्रम से भी जुड़े हुए रहे, और देश विदेश में भी उन्होंने काम किए हैं, भाई महावीर जी जानते हैं। तो उन्होंने बहुत बार इस पर जिक्र किया, आज नहीं तो जैसा गडरिये के गीत वाली बात अंग्रेज लोग कहते थे कि वेदों में तो बस गडरिये के गीत हैं, तो इन 2-3 शब्दों को देख के तो हमको भी लगेगा कि ऊंट है, 3 नाम वाले ऊंट है, जैसे गाय एक रेंडी नस्ल की है, नागौरी नस्ल की है, गिर नस्ल की है, वैसे ऊंट 3 तरह के होंगे। कई क्षेत्रों में देखते हो 2-2 कुब्ब वाले ऊंट है, कहीं एक सिंगल कुब्ब वाला ऊंट है, और कहीं रंग बिरंगे अलग अलग तरह के। तो कोई अगर करेगा तो यहाँ गड़बड़ कर सकता था कि ये 3 ऊंट है, पर आचार्य जी ने उन 3 ऊंटों पर भी ऐसी नकेल डाली है शानदार वाली कि वो उसके अर्थ स्पष्ट हुए। तो मैं आचार्य जी के द्वारा इस बहुत ही दुरूह विषय को उठाकर न केवल 2 तरह के अर्थ किए हैं, बल्कि उसमें छंदों के पूर्व भाष्यकारों ने जो विनियोग किया, जो उनके साथ जोड़ा, उस छांदस विनियोग को भी आचार्य जी ने निरस्त किया है, संशोधित किया है,
कहीं जगति छंद है तो वहां क्या होना चाहिए, देवी आरसी गायत्री है तो वहां क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों में भी एक संशोधन करना बहुत ही परिश्रम की बात है, शास्त्र की बहुत गहराई और एक व्यापक अध्ययन के आधार पर यह संभव है। शुरुआत हुई थी ऊंट के तीन नाम से, सोने के नाम पर, यश और बल के नाम पर, नीले चूड़ों वालों के नाम पर और डेढ़ जंगली गधों के नाम पर। ये जो एक शुरुआत हुई वो डेढ़ जंगली गधे से क्षेमकरण जी का और आचार्य विश्वनाथ जी का भाष्य, एक एक करके क्रमबद्ध सातवलेकर जी के इस डेढ़ गधों वाले अर्थ को लेकर के, जिसकी दीक्षानंद जी ने प्रशंसा की स्वामी जी महाराज ने, उसके बाद क्षेमकरण जी ने जो प्रतापी राजा की बात कही और उसके बाद ईश्वर परक सांसारिक दाहों से बचने के लिए परमपिता परमात्मा को यहाँ पर ऊंट के तीन भाग ये बात कही थी, वो सबसे ऊपर लाके क्रीम हमारे सामने मक्खन बिलो के दिया, जिसकी कोई संगति वहां नहीं बन रही थी और छंदों के देवताओं के भी जहां पर प्रकाश नहीं हो रहे थे स्पष्ट रूप से, कहीं प्रजापति है कहीं दूसरा देवता है, उसमें आचार्य जी ने जो मेहनत की है मैं आपके इस तप के प्रति व्यक्ति सह रूप से भी बहुत नतमस्तक हूँ। और त्रिउष्ट्र नामानी में आचार्य जी ने, आपने सभी मंत्रों के अर्थ देखे होंगे, उनमें आचार्य जी का कल से लेकर, चाहे एलईडी पर प्रोजेक्टर रहा या अब, ओम रश्मिया, तीनों हमारी व्याहृतियां और सब जगह व्याप्त हुई ये सारे तत्व तारों में, पृथ्वी पर या सूर्य के केंद्र में, ये रश्मियों वाली जो एक भाषा है, ऊर्जा को लेकर, प्रकाश को लेकर, संधारण को लेकर, भेदन को लेकर, छेदन को लेकर, संयोजन को लेकर, संलयन को लेकर, ये जो रश्मियों के साथ जुड़े हुए गुणों की बात आचार्य जी बार बार कह रहे हैं, वही विचार आपने कुंताप सूक्त में भी प्रकट किया है। और कुंताप सूक्त भी वस्तुतः तारों के विज्ञान के अलावा और कुछ अपने आप को नहीं साबित कर पाया, यानी वहां भी तारों का विज्ञान आचार्य जी ने ढूंढा, उन शक्तियों को ढूंढा। जहीं हिरण्य की बात आई, आपने वहां पर स्वर्णिमता न केवल रूढ़िगत अर्थ में उसके सुनहरेपन को लिया है, बल्कि साथ साथ हिरण्य में हृयते आदान और प्रदान शक्ति का जिसको कहते हैं संवहन, लेना देना, इन सब को लिया और भौतिक अर्थ में एक राजा के साथ इन सब अर्थों को जोड़ा, ईश्वर के साथ आपने जोड़ा, राजा किस तरह से शत्रुओं का नाश कर सकता है नील वाहन के रूप में आपने प्रकट किया, बाहर के शत्रुओं को, अंदर के शत्रुओं को, असामाजिक जो कंटक हैं समाज के उनको नष्ट करने का। तो भौतिक अर्थ में भी दैविक अर्थ में आचार्य जी ने एक क्रांतिकारी भाष्य इन मंत्रों का किया है और इन अर्थों को वास्तव में आने वाला वक्त बताएगा, जब और भी विद्वानों के बीच में ये अर्थ जाएंगे, जिन लोगों ने बहुत माथा पच्ची की है, बहुत उन्होंने अपनी सेखी बघारी है इनके अर्थों के साथ, वो जब इन दैवीय और भौतिक अर्थों को पढ़ेंगे, उनके अर्थों के जो प्रमाण, आचार्य जी कोई बात बिना प्रमाण के कहते नहीं कि उन्होंने सीधे ही भावार्थ कर दिया, वो ऐसा नहीं है, वो अनेकों ब्राह्मण ग्रंथों का और निरुक्त आचार्य यास्क के निरुक्तीय प्रमाणों का और अनेकों प्रकार के वैदिक वाङ्मय का सहारा लेकर प्रमाणित करते हैं, संदर्भ देते हैं, उस आधार पर उन्होंने अर्थ किया, जिसे नकारना किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रही विद्वान के लिए, हठी विद्वान के लिए भी बहुत कठिन होगा। तो इस रूप में कुंताप सूक्त का एक भाष्य किया जाना भी इस न्यास की बड़ी उपलब्धि है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सैकड़ों वर्षों में भी कुंताप सूक्त पर कलम नहीं चली है, कुछ लोगों ने इसको प्रक्षेप माना, कुछ लोगों ने इसको अंग्रेजों की चाल माना, किसी ने कुछ माना और किसी ने कुछ कहा, किसी ने सारे मंत्रों के समूह को एक ही मंत्र माना और किसी ने उसको टुकड़े टुकड़े में अर्थ किया, और आचार्य जी ने उसके संगति करते हुए अंत में जो नील वाहन आदि के अर्थ किए हैं वो राजा के व्यवहार को स्पष्ट कर दिया, तो पूरी संगति भी मंत्रों की यहाँ पर लगाई गई है। तो हम सभी गौरव महसूस करते हैं कि इतने कठिन अर्थों को समय आने पर, क्योंकि अभी तो ब्राह्मण
ऐतरेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य हुआ है और जिसमें अनेक संभावनाओं के साथ विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं से पर्दे उठेंगे। आगे अगर समय मिला तो वेद के मंत्रों पर भी आचार्य जी की कलम चलेगी। ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको साहस दे, आपको इसी तरह की आरोग्यता का जो संघर्ष है उससे ऊपर ले जाकर पूर्णतः निरोगिता प्रदान करे, दीर्घायुष्य प्रदान करे। ऐसी हम सभी यहाँ के उपस्थित लोगों में, सहयोगियों में, न्यासियों में, पदाधिकारी और आगंतुकों में दिव्य भाव हैं। परमपिता परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुने।